आइए आज की मूली के लिए हम सभी मीठे प्यारे बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। शांति। आज है 1 मई 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मूली का टाइटल है तपस्या का फाउंडेशन। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही देवो बहन? आवाज आ रही है? हाँ, कृति बनावा जा रही है। अच्छा, कृष्णा बहन आप वॉल्यूम थोड़ा तेज करो या ईयरफोन लगाओ। आज की मूली का टाइटल है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। क्या लगता है, क्या कनेक्शन है तपस्या में और बेहद के वैराग्य में? तपस्या का फाउंडेशन और बेहद के वैराग्य में क्या लगता है, क्या कनेक्शन है? कौन बताएगा? ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है वैराग्य, लेकिन बेहद का वैराग्य। तो अगर हम कहीं भी हद में जुड़े रहेंगे, किसी भी हद में अगर हमारी बुद्धि जाती है, तो फिर ये तो हम तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहीं पे अटके रहेंगे। जैसे कि बाबा कहते हैं कि वैराग्य तो हम लोग करते हैं ना, हमेशा बोलते हैं ना, बाबा ये सब कुछ तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, घर भी तेरा, बच्चे भी तेरे, पति भी तेरा, ये कहते हैं और वैराग्य करते हैं। फिर मन में कभी क्या हो जाता है कि अच्छा साथ जाते, परम धाम का गेट साथ खोलते, तो ये बेहद का वैराग्य नहीं, यहाँ पे अटैचमेंट हो गया। तो अगर हमारे में अंदर ऐसी ऐसी कोई चीज है जो कि हमको बेहद नहीं बनने देती, इस कारण हम तपस्या नहीं कर सकते। कुछ में भी बुद्धि अटकी रहेगी, हम कैसे धन कमाएंगे, हमारे कितने पेशेंट आ रहे हैं, आगे मेरा क्या होगा, अगर ऐसा कुछ भी अगर हम सोचते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुमको कुछ सोचने के लिए नहीं, सोचना नहीं है, सब कुछ बाबा बाबा के बने हैं, तो हमको सब कुछ मिलना ही ऑटोमेटिक, बस हमको तपस्या ही करना है और मेरा काम अलग है, क्योंकि हम रूहानी है ना, तो हमारी रूहानी सेवा करनी। तो कहीं पे अगर हमारी बुद्धि अटकी हुई है
तो ये बेहद में नहीं है, और अगर बुद्धि बेहद में नहीं है, हद में है, तो कभी भी तपस्या हम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने बहुत क्लियर किया है कि बेहद का वैराग्य। ओम शांति। और बताइए, और कोई बताना चाहेगा? तपस्या के फाउंडेशन में बेहद का वैराग्य, वैराग्य और बेहद का वैराग्य कैसे समाया है? फाउंडेशन में ही है। जी मनीष भाई, इसमें ऐसा है कि तपस्या इज प्राइमरली इंग्रेडिएंट्स एंड तपस्या जो सॉरी वैराग्य इज द इंग्रेडिएंट, तपस्या इज द आउटकम। तो इंग्रेडिएंट्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे हमारे, तो आउटकम रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, लेकिन तपस्या आउटकम और बेहद का वैराग्य इंग्रेडिएंट कैसे हुआ? क्यों कह रहे हैं हम तपस्या को आउटकम? अच्छा, हांजी जयश्री बहन बताइए। दीदी, बेहद का वैराग्य माना ही सब तरफ से डिटैच्ड। जब तक हम डिटैच नहीं होंगे, बाबा भी हमारे संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाएगा। हमारे जो किनारे हमने अगर छोड़े ही नहीं है, उधर अटका है, उधर अटका है, तो जब तक बोलते ना, जैसे हलवा अच्छे से बनता है तो किनारे छोड़ देता है, तो वो एक परिपक्व अवस्था होती है। जैसे जैसे हम बेस होता है वैराग्य आना, और तभी हमारी बुद्धि सभी से डिटैच होगी, और बाबा फिर हम बाबा में हम एकाग्र हो पाएंगे, और जो चाहता है बाबा फिर हमसे करा पाएगा, मोल्ड करा पाएगा जैसे संस्कारों को हमारे। अगर हम हमारे ही इसमें अटके रहे या दूसरों के इसमें, तो नहीं हो पाएगा। समझे? ओके, श्वेता दीदी, ओम शांति। मेरी आवाज दीदी, बेहद का वैराग्य जो है डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, या फिर हमारे पुराने स्वभाव संस्कार से, जब जैसे जैसे हम डिटैच हो रहे हैं, हम अंतर्मुखी, दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहद का वैराग्य हमें अंतर्मुखी बनाता है, और अंतर्मुखी तपस्या का फाउंडेशन बनता है। क्योंकि हम जितना ज्यादा आउटर वर्ल्ड में रहेंगे, उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ये वो, उससे हम तपस्या नहीं कर सकेंगे। तपस्या जैसे दिखाते थे ना ऋषि मुनि को भी, एक गुफा में जाके तपस्या कर रहे हैं, एकांत में जाके तपस्या कर रहे हैं, तो वो अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है इसमें, इनवर्ड, बिकॉज मैं आत्मा परमात्मा की संतान, ये स्थिति में रहना बहुत जरूरी है। ओके, और तपस्या से क्या होता है? तपस्या से हमारे अंदर हमारा जो कमी कमजोरी है, खामियां है, जो पुराने जो मतलब द्वापर से एडॉप्टेड स्वभाव संस्कार, वो जलते भी हैं, और हम नई मतलब हमारा जो ब्राह्मण जीवन का जो कर्तव्य है, उसके लिए हम तैयार होते हैं, और हम आगे नई दुनिया में जाने के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। तपस्या में सब कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है। तपस्या अभी इतना ही समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। बाबा कहते, आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चे दिल से, देश विदेश के सर्व बच्चे दिल से सॉरी देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कहते, सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है मेरा पापा, चारों ओर मिलन मनाने की
शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे। बाबा कितना अच्छा एक चित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है ये नजारा। बाबा क्या कह रहे हैं, चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे। ये मिलन अगर कोई डायमंड हॉल में बैठा हो और देख रहा हो कि कहाँ दीपक जगमगा रहे, कहाँ दिख रहे हैं, वहां का तो माहौल ही अलग है। वहां सब साइलेंस में बैठे हैं, एक दो के साथ बैठे हैं, सफेद कपड़ों में बैठे हैं, बाबा आए हुए हैं एक के पीछे एक बैठे हुए। ये पिक्चर इन दो स्थूल आंखों से डायमंड हॉल में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बाबा की तीसरी आंख से बाबा को वो दीपक भी दिख रहे हैं और उन दीपकों से निकल रही भावना रूपी लौ भी दिख रही है। वो भावना है कि मिलन मनाएं। बाबा के साथ जो भावना है मिलन मनाने की, वो मिलन मनाने की लौ हर एक दीपक लेकर जगमगा रहा है। तो ये दृश्य हमें तब नजर आए जब बाबा की नजर से देखें, नहीं तो दो स्थूल आंखों से तो ये दिख नहीं सकता। बाबा कहते हैं यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। कितना ऊंचा बात है, सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। क्योंकि जब ये मिलन मनता है, जिस समय में ये मिलन मनाया जा रहा है, उस समय सिवाय बाबा और बच्चों के किसी के पास वो आंखें ही नहीं है देखने की। और जब आंखें होती भी है देखने के लिए, मान लो ऋषि मुनि है जिनके पास दिव्य दृष्टि है, सब है, लेकिन तब ये वो समय ही नहीं होता जब वो मिलन मना रहा हो। तो ये कॉम्बिनेशन कि हमें आंखें भी मिली है देखने के लिए और वो समय भी एकदम एक्यूरेट है जब ये मिलन मन रहा है, जिसके आधार पर बाबा कहते हैं ये दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। बाबा कहते हैं यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। बाबा कहते ऐसी दीप माला कोई मना नहीं सकता। देखो कितना अच्छा बाबा ने दृश्य बताया। सतयुग में भी दीपमाला बनेगी, माना कि दीपावली दीपमाला का आयोजन होगा, मनाई जाएंगी, लेकिन ऐसा दृश्य कोई मना नहीं सकता, कोई नहीं देख सकता। क्योंकि वहां पर कौन होगा, हमें आत्माएं तो नजर आएंगी, जगते हुए दीपक नजर आएंगे, कॉन्शियसनेस चैतन्यता इस जड़ शरीर के अंदर चमकती हुई दिखाई जरूर देगी, लेकिन सब दीपकों का राज दीपक है ना, सबसे ऊंचा दीपक शिव बाबा, वो तो नहीं होगा। तो हर हर युग के हर क्षण में कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी। वो कहते ना एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेसी पूरे कल्प के किसी भी युग के किसी भी क्षण में नहीं है, जो एक्यूरेसी हमें संगम पर मिलने का चांस है। ऐसा नहीं है मिल रहा है, क्योंकि मिलने का आधार तो पुरुषार्थ है, लेकिन मिलने का चांस भी तो हो। जैसे एक कहानी बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुनी हो तो, किसी एक भाई की गाड़ी की चाबी खो जाती है। अब वो गाड़ी की चाबी कहाँ खोई है उसको नहीं पता, लेकिन वो ढूंढ उसको सिर्फ और सिर्फ लैंप पोस्ट की लाइट के नीचे रहा है, वहीं ढूंढ रहा है, घूम रहा है घूम रहा है। तो एक ज्ञानी पुरुष आकर बोलता है कि यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो, अंधेरे में भी तो हो सकती है, मतलब यहीं पर क्यों ढूंढ रहे हो। तो बोलता है यहाँ हो नहीं हो लेकिन अंधेरे में तो नहीं मिलनी है, क्योंकि वहां भले हो भी सही लेकिन उजाला नहीं होने के कारण दिखेगा नहीं,
यहाँ पर कम से कम उजाला तो है, तो मैं यही ढूंढ रहा हूं। तो कुछ ऐसी स्थिति हमारे पूरे कल्प होती है, या तो वो मिलन मनने का चांस नहीं होता है क्योंकि बाबा नहीं होते हैं, हमारे पास सब कुछ हो फिर भी हमारे पास में बाबा ही ना हो तो किसको ढूंढेंगे, किस कौन मिलेगा, या फिर बाबा होते हैं लेकिन हमारे पास में तीसरी आंख एक्टिवेट नहीं हो तो वो मिलन भी नहीं बनेगा। लेकिन संगम पर ही वो चांस है जहां पर ये मिलन मनने की थोड़ी बहुत भी आशा है, उसके बाद तो कभी होना नहीं। बाबा कहते ऐसी दीप माला कोई मना नहीं सकता, बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज है। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते लेकिन बाप दादा का दिल तक अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे। बाबा कहते सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलहने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा याद प्यार भी सुन रहे हैं और स्नेह भरे अधिकार के उलहने भी सुन रहे हैं। अधिकार, बाबा कहते सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलहने भी सुन रहे हैं। क्या फर्क हो जाता है भक्ति मार्ग के अधिकार और संगम के अधिकार? उलहने तो हम भक्ति मार्ग में भी देते हैं, कितने उलहने दिए हैं, लेकिन बाबा कहते अभी का उलहना और उस समय का उलाना बहुत अलग है। किस आधार से? ओम शांति। अभी का उलाना जो है संगम युग का, तो ये हम स्नेह से देते हैं बाबा के और जानते हैं कि मेरा बाबा है, स्मृति में है कि हम उलाना दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, अपने बाप को दे रहे हैं, अपने दोस्त को दे रहे हैं, अपने साथी को दे रहे हैं, जिस पर कि मेरा अधिकार है क्योंकि उसने मुझे कहा मेरे बच्चे, तो हमने क्या कहा मेरा बाबा। तो इस अधिकार से देते हैं और भक्ति मार्ग में हमको पता नहीं होता है, करते जाते हैं करते जाते, कभी इस देवी देवता को कभी उस देवी देवता को, फिर अंततः कोई प्राप्ति होती नहीं, फिर लगता है इसमें क्या है, पूजा किया डुबोया, तो ये अब समझ में आता है। और अभी जो हम उलाहने देते हैं तो बाबा को अधिकार के साथ देते हैं क्योंकि हमको पता है कि सब मेरी बात को वो सुनेगा, तो हमारा अधिकार है ना, बाबा आपने ऐसे क्यों नहीं करा, तो प्यार ही है, उलहना नहीं देते, वो प्यार से बाबा को सुनाते हैं। ओम शांति। और कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। शांति। वहां तो दीदी अंधेरे में तीर है और यहाँ पूरी क्लियरिटी है हर चीज की, मेरे को ऐसा लगता है। और बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। तुम्हें दीदी वहां तो हमने जो उलाहना दिया तो वो अपने हिसाब से दिया, अपने हिसाब से अगर अधिकार से भी दिया, जैसे कई भक्त जो नामी ग्रामी हैं उन्होंने बड़े अधिकार से भगवान से रिलेशन रखा, लेकिन वो उन्होंने अपने आधार पे बनाया कि हाँ हमको अधिकार है। लेकिन यहाँ बाबा ने हमको बताया कि तुमको अधिकार है, चाहे हम उसके लायक हैं या बने हैं या अभी नहीं बने हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम राइटफुली मेरे से हर चीज डिमांड करो और लो क्योंकि सब तुम्हारा है। तो ये थोड़ा अंतर समझ में आ रहा था। ओम शांति। सीता दीदी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ भी ये समझ में आ रहा कि वहां पर हमारा संबंध नहीं रहता है, हम गाते बस रहते हैं, बस आरती में या भक्ति में गीत गाते रहते हैं, यहाँ हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो संबंध का भी अधिकार हो जाता है। जैसे जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो अधिकार नहीं रहता है, वो भले कितना भी एक दूसरे से को पसंद करते हैं लेकिन उतना अधिकार नहीं समझते हैं, लेकिन जब शादी हो जाने के बाद उसका
मतलब पूरा अधिकार हो जाता है, वो जो जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकता है, उसके युगल का भी उतना ही अधिकार हो जाता है। तो यहाँ ये समझ में आया कि बाबा से पहले हमारा सिर्फ मांगने ही मांगने का ही अधिकार था, सिर्फ मांग रहे थे, मांगने की भावना रहती थी, अभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाबा का जो भी है वो मेरा ही है, इसमें अधिकार अपने आप ही आता है। और फिर इतना भक्ति किए हैं तो लगता है कि अरे बाबा मिला है तो ऐसे ही एहसान नहीं हुआ है, ये तो बड़ा अधिकार ही था बाबा बाबा का मिलने का, और बाबा मिला तो संबंध अपने आप ही जुट गया, बाप का संबंध मतलब सारे संबंध जो हम गाते थे वो अभी रियल में अब संबंध जुटा है, हम पा गए हम बाबा को, तो वहाँ संबंध की भावना आती है, इसलिए अधिकार होता है। ओम शांति जी, सुजीता मैम। ओम शांति दीदी। एक छोटा सा बात जैसे याद आ रही थी कि जैसे भक्ति में वी बेस आर रिलेशनशिप ऑन जो हम शास्त्र पढ़ते हैं या किसी और की बात को स्वीकार करते हैं और उस पर अपना रिलेशनशिप बेस आउट करते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे किसी इच्छा की या सिद्धि नहीं होती तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पर भी थोड़ा सा मन में निकलता है, और कहीं ना कहीं ऐसा थॉट भी आता है कि शायद कुछ विधि में गलत हो गया इसीलिए शायद हमें नहीं मिल रहा, या वी ऑल्सो डाउट द रिलेशनशिप इटसेल्फ। लेकिन जब ज्ञान में आते हैं इस रिलेशनशिप में, हमें कभी रिलेशनशिप पे डाउट नहीं आता, हम सिर्फ ये कहते हैं कि मतलब बाबा से जैसे कि एक उलाहना तो दे रहे होते हैं, मतलब कुछ वो बाबा से जब रू रिहान करते हैं तो एक टू वे कम्युनिकेशन होती है, इट इज लाइक वो दोनों तरफ बातचीत होती है एंड इट गोज बोथ वेज, लाइक हम भी बाबा को कुछ कहते तो बाबा उल्टा हमें दे रिटर्न करते हैं, वी रियलाइज कि बाबा से आ रही है बात, वी आर एबल टू कहीं ना कहीं कनेक्ट, हमारा रिलेशनशिप में मजबूती है बिकॉज ये ट्रुथ पर आधारित है। ये एक बात थॉट आ रही थी। ओम शांति। ओम शांति। पूरे कल्प में अगर हम देखें तो शिव बाबा तो शिव बाबा ही रहता है, ऐसा तो नहीं है शिव बाबा परिवर्तन हो जाता है। और अधिकार की जो बात है, वो अधिकार देने वाला, अधिकारी बनाने वाला तो शिव बाबा ही है। पूरे कल्प में शिव बाबा अधिकार दे रहा है और दिया है भक्तों को, भगवान के ऊपर अधिकार किसने दिया, किसने कहा कि भक्त जो चाहे वो शिव बाबा से मांग सकते हैं या उनकी आराधना करके उनको पूजा करके उनको खुश कर सकते हैं, जो भी बात, और उसके आधार से वो कुछ भी जो भी अनुभव करना चाहे वो अनुभव कर सकते हैं, वो अधिकार देने वाले तो शिव बाबा ही है। अधिकारी बनाने वाले हमेशा से शिव बाबा रहे हैं, क्योंकि भक्तों का भी भगवान के ऊपर पूरा अधिकार होता है, तो कहीं पर भी शिव बाबा दे रहा है या हम बच्चे ले रहे हैं, माना कि उसमें डिफरेंस ना हो करके जो संबंध आज बन रहा है, जैसे सीता दीदी ने कहा, एक था जो संबंध बनाने वाली आत्माएं हैं जो नीचे रोल प्ले कर रही है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना उस अधिकार को ले रही है, और अधिकार को लेने का आधार है निराधार होना। कौन उलाहना दे सकता है शिव बाबा को, कौन हक से बोल सकता है शिव बाबा आपने मेरा ये किया ये नहीं किया क्यों नहीं किया, मेरे तो सिर्फ आप ही हो, सिर्फ वही बोल सकता है जिसने सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को आधार बनाया और किसी को बनाया ही नहीं। नहीं तो उलाहने देने वाला भी अनेकानेक जगह पर उलाहने देगा, शिव बाबा को ही नहीं देगा। तो अधिकार देने वाले, अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा सबको अधिकारी बनाते हैं, सबको अधिकारी बनाते हैं, सबको अधिकार देते हैं स्वयं का, इसमें बाबा की तरफ से कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं। लेकिन बात फर्क पड़ जाती है लेने वालों के बीच में, जो ले रहे हैं उन्होंने कितना क्लोज संबंध शिव बाबा से बनाया, उसी के बेसिस पे वो उलाहना दे सकते हैं। जैसे आज सोचो हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, या हमने कुछ गलती कर दी, या हमारा बहुत मन दिल शिकस्त है, हमें नहीं पता क्या करें, अब हम बैठ के सोचेंगे हम किससे बात करें या किसको सुनाएं, तो देखते हैं हमें कितने चेहरे याद आते हैं,
जब हमारा मूड ऑफ होता है, जब हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता है, बेसिकली मूड ऑफ हो रहा होता है, दिल शिकस्त हो रहे होते हैं या अटके होते हैं, फंसे होते हैं, तो कितने चेहरे याद आते हैं, कितने चेहरों के पीछे का संबंध याद आता है कि मैं इससे बात करूं, उससे बात करूं, इससे बात करके हल्का लगेगा या उसको बात करके उसको सुनाने से अच्छा लगेगा। खुद देखते हैं हम कितने चेहरे याद आ रहे हैं, और जिस चेहरे को हम याद कर रहे हैं अगर उसमें से एक चेहरा शिव बाबा है तो अधिकार भी तो बट गया ना। हमारे ऊपर अधिकार सिर्फ शिव बाबा का ना होते हुए कईयों का हो गया, तो बट गया, तो कहां हम कंप्लीट अधिकारी रहे शिव बाबा के। कंप्लीट मना वन ऑन वन रिलेशन, बस और कुछ नहीं। तो उलाहना भी वही दे सकता है जिसने सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को आधार बनाया, भले वो गलती करे, उठे गिरे, लेकिन वही कह सकता है जो हूं जैसा हूं आपका हूं, सिर्फ आपका और किसी का नहीं। वही हो सकता है जो कभी भी गिरे उठे, अच्छा भी हो तो भी बाबा को ही बताए, दिल में कुछ दिक्कत हो तो भी बाबा को ही बताए, बहुत उमंग उत्साह हो तो भी बाबा को ही बताए, मतलब उसके लिए और कोई आधार रहा ही नहीं। तब कहेंगे कि अधिकारी बने, क्योंकि अधिकारी बनाने वाला शिव बाबा तो पूरे कल्प है और उसने कईयों को कई अधिकार दिए हैं, तो ये बाबा की बात है ही नहीं, ये बात हमारी है, मुझ आत्मा की है। बाबा कहते हैं सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलहने भी सुन रहे हैं। अब कौन उलहना दे सकता है बाबा को, जिसने ऑलरेडी पद और कई सारे आधार बना रखे हैं, तो वो बाबा को भी उलाना देगा, अनेको अनेको को भी देगा। क्या वो उलाना बाबा तक पहुंचेगा? पहुंचेगा ही नहीं। हां जी श्वेता। दीदी एक प्रश्न था कि भक्ति में जो भक्त उलाना देते तो वो पहुंचता है क्या शिव बाबा तक? बिल्कुल, अगर वो निराधार है तो क्यों नहीं पहुंचता, भक्तों को भी तो दिया है भगवान के ऊपर अधिकार, संपूर्ण भक्तों का है। जिसने भगवान को अपना आधार बनाया है उसके लिए तो भगवान को खुद को कितने साक्षात्कार कराने पड़े, प्रत्यक्ष होना पड़ा है, स्टोरी देखते हैं ना, मदद करनी पड़ी। आज मीरा का गायन कितना है, क्योंकि उसने आधार सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को बनाया था, तो वो कृष्ण रिलायब मतलब रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है कि आज अगर मीरा के साथ कुछ होता है तो कृष्ण आंसरेबल है। ऑल्दो कृष्ण है नहीं, लेकिन वो तो कृष्ण के रूप में भगवान को याद कर रही है, तो वो भगवान रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो एक एंटिटी है ना, बीइंग है, इमेजिनेशन नहीं है, सत्य है। वो ट्रुथ तभी भी था और आज भी है। वो जो इन सब के पीछे काम कर रहा है वो तभी भी था, आज भी है और सदा रहेगा, और अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा, क्योंकि वो है, इमेजिनेशन नहीं है। तो अगर भगवान के नाम पर कोई आज दान पुण्य भी करता है तो उसको मिलता है ना उसका इवजा, क्योंकि भगवान है, बाबा है। तो उनमें और हम में फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमने कितना उसको हमारा एक एक बल, एक भरोसा बनाया है, कितना करीब से ये रिश्ता बनाया है, बस उसी पे फर्क। वरना शिव बाबा तो जो है वो पूरे कल्प है, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके अंदर गुणों की कभी कोई कमी या गुणों की कभी कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अपने आप को, अपने आप का अधिकार देने का गुण शिव बाबा में सदा से है, रिस्पॉन्सिबल होने का गुण शिव बाबा में सदा से है, लायबल होने का गुण शिव बाबा में सदा से है। थोड़ी कोई अभी एक्टिवेट होता है ऐसे संगम पर नहीं, लेकिन हम कितना उसके साथ में, हमारे गुण कितने काम कर रहे हैं या हम कितने निराधार हैं, उससे ये संबंध पक्का होता है। जैसे कि अभी सीता दीदी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अभी तक कोई दो जन हैं, एक दो को पसंद करते हैं, डेट कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, वो एक दो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, मंत्र पढ़ लिए, तो अधिकार हो गया, भले उसके बाद वो डिवोर्स भी करें, लेकिन मंत्रों की ताकत
डिवोर्स के सिंपल साइन से बहुत ज्यादा है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं फेरों में, वो मंत्र के आसान है अंडू करना, कितने भी डिवोर्स कर ले वो आत्मा, लेकिन वो बंधन तो है ही ना, क्योंकि मंत्र पढ़े गए, उच्चारे गए, शपथ ली है, प्रतिज्ञा ली है, तो लायबल है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा क्या कहते हैं, इन बातों को समझना है। बाबा कहते हैं सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हने भी सुन रहे हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते। बाबा कहते हैं फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार रूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। अब बाबा अव्यक्त हो गए, इसका मतलब ये नहीं है, अदृश्य हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि लोप हो गए, है ही नहीं। जो बाबा में गुण साकार में थे उससे तो ज्यादा ही गुण भर गए ना अव्यक्त बनने। तो अगर हम ही अटके हैं कि हम पहले नहीं आए, हम पहले नहीं मिल पाए बाबा से, तो ये अटकन कहाँ है? देने वाले दाता में कोई कमी नहीं है देने की, बल्कि देने की उनकी स्पीड फास्ट ही हो रही है, रिफाइन ही हो रही है, ज्यादा ही हो रही है, लेकिन देने वाला तो एक ही है, वो तो दे ही रहा है। लेने वाले को देखना है कि उनके अंदर कितने बहाने हैं, या उनके अंदर कितनी लेने की इच्छा है, या उनके अंदर कितना ये वन ऑन वन रिलेशन बनाने की इच्छा है, क्योंकि फर्क वहीं पड़ रहा है। बाबा कहते ना फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। और वो कौन से बच्चे हैं जो समान बन रहे हैं, जो ये नहीं देख रहे हैं कि बाबा तो साकार में नहीं है, बाबा तो है नहीं हमारे साथ, तो कैसे होगा, क्या होगा? नहीं, जो ये समझते हैं कि बाबा है, लोप नहीं हुए हैं, बाबा गायब नहीं हो गए हैं, रूप बदला है, लेकिन जो गुण शक्तियां उनके अंदर साकार में थी वो उनमें अभी भी है, जो पालना करने का दिल उनमें साकार में था वो अभी भी है, जो बच्चों के प्रति स्नेह साकार में था वो अभी भी है। कम थोड़ी हुआ है, बल्कि ज्यादा ही हुआ है, ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाबा ने ली है, कम नहीं किया। लेकिन जो अटके हैं वो लटके, उनको नहीं मिल रहा है। बाबा कहते हैं न सिर्फ एक दो वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? क्या लगता है? तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? कौन बताएगा? क्यों बजाया बाबा ने अव्यक्त होते हुए, निर्बंधन होते हुए क्यों व्यक्त में पाठ बजा रहे हैं बाबा? ओम शांति। बाबा ने इसलिए भी पाठ बजाया कि जो पीछे वाले बच्चे हैं ना, उनका पुरुषार्थ भी अच्छा हो जाए और वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि यज्ञ को आगे बढ़ाना है ना। तो बाबा जैसे हम जैसे बच्चे, हम लोग का तो जब आए बाबा के ज्ञान में, तो आए उसके बाद जब बाबा मिलन किए तब तक पाठ खत्म हो गया था। तो हम लोग हमेशा ऐसे सोचते रहते थे कि शुरू में ऐसे ही सोचते थे कि जा बाबा रहता ना ये वाला चीज हो गया ना, बाबा से हम नहीं। लेकिन बाबा इसलिए आया इतने दिन कि सब बच्चों को पुरुषार्थ करा के और ऊपर की स्टेज में ले जाए, क्योंकि बननी है ना, सतयुग की स्थापना होनी है तो उतना पॉपुलेशन सतयुग का तैयार करना है, तो उसके लिए ही बाबा सबके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ही बाबा ने ये पाठ बजाया।
ओम शांति। शांति। और बताइए क्यों ऐसा क्या बाबा जी? हाँ जी नीता दीदी, जैसे अभी सारिका संगीता दीदी ने बोला वो तो है, दूसरा ये कि बाबा ने करके दिखा, जैसे बाबा करके दिखाते थे, देखो मैं अव्यक्त से व्यक्त में आया फिर मैं अव्यक्त में चला जाता हूँ, क्योंकि हमारा भी अल्टीमेट गोल तो वही है कि हमें अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो बाबा जैसे बार बार दिखाते थे करके कि बच्चे देखो तुम भी ऐसे देह का आधार लो और फिर देह से न्यारे हो जाओ, तो जैसे वो एग्जाम्पल बाबा देते थे। ओम शांति। दीदी बाबा ने मुरली में बोला है एक बार कि बाबा अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं बच्चों को अव्यक्त बनाने, तो मुझे लगता है कि व्यक्त में आने से ही तो बाबा अनुभव करा पाएंगे ना वो प्यार का अनुभव। आज बाबा मिलन के लिए भी जाते थे तो बाबा ही दिखाई देते, दादी में भी बाबा ही दिखाई देते, तो वो व्यक्त में उनका अनुभव करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है बाबा के करीब आने के लिए, जिन्होंने बाबा को देखा नहीं है ब्रह्मा बाबा के टाइम पे नहीं थे, तो बच्चों को अपने करीब लाने के लिए तो व्यक्त का पार्ट भी जरूरी था। व्यक्त से व्यक्त ओके। बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बिछाया? हम सब बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि समान बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज आप बताओ चार जने हैं जिनको आपको समान बनाना है, आप समान बनाना है, बाप समान बनाना है, क्या लगता है बना पाओगे? सारी शक्तियां भी मिल जाए तभी भी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब तक उन आत्माओं से आपका जिगरी अखुट अखंड प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। किसी को भी आप समान बनाने की, उस पे मेहनत करने की इच्छा भी तभी ही होती है जब उनसे स्नेह होता है। वो स्नेह है बाबा को व्यक्त में पार्ट भिजवाते, वो स्नेह बाबा को खींचता है, क्योंकि बाबा को पूरे यज्ञ से स्नेह जिम्मेदारी नहीं है। जिसको स्नेह होता है वो जिम्मेदारी लेता है। आप लोगों को याद हो एक बार, तो कई बार इस ग्रुप में ये बात हुई है कि अगर इस ग्रुप के कोई भी एक भी इंसान जो मुरली मंथन ग्रुप में जुड़ा है वो नहीं आएगा समय पर तो क्लास नहीं होगी। याद है नीतू बहन कैसा हुआ था? हाँ जी दीदी याद है। और क्या कहा था? हाँ जी, फिर हम सब ने एक दूसरे को मोटिवेट किया था, देखो कोई क्लास मिस मत करिए और क्लास बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन उसके बाद उलाहना तो यही दिया था ना कि वो नहीं आ रहे तो हमारा घाटा क्यों? हाँ ये भी दिया था। तो बना पाए आप समान? आप बल्ले, आपके पास मींस थे, फोन था, आपके पास शक्ति थी, आप उठ रहे थे, लेकिन आपने तो उठाना जरूरी नहीं समझा, उनको बुलाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि स्नेह नहीं था, अपनापन नहीं था। अपनापन नहीं हो, स्नेह नहीं हो तो कोई भी जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। इस ग्रुप को हमने अपना बनाया ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ, हाँ टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बहुत अच्छा है, टीचर जो कह दे वो करेंगे, लेकिन बच्चों का आपस में एक दूसरे तो रिलेशन रहा ही नहीं। तो क्यों बाबा अव्यक्त होकर भी व्यक्त में पार्ट बजाते रहे? समान तो बाबा को बनाना ही है, लेकिन समान बनाने का आधार है स्नेह। अपने अंदर उस अखुट प्रेम की गंगा कि ये मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है, इनकी कमी मेरी कमी है। आज अगर ये मुझसे साकार में नहीं मिले ना तो कहीं इनको ऐसा नहीं लगे कि मिले नहीं, मेरे को इनको मेरे होने का अनुभव कराना है, मेरे दिल में जो इनके प्रति प्यार है उसको मुझे प्रत्यक्ष करना है, सामने लाना है। तो स्नेह हर जिम्मेदारी का आधार बनता है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई यज्ञ आगे बढ़ना है, सत्युग तो आना है, नहीं सत्युग आना है नहीं, सत्युग लाना है, इसको जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि पहली बात तो ताकत भी है लेकिन दूसरी बात करने की इच्छा भी है और इच्छा का आधार होता है स्नेह। बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी
व्यक्त में क्यों पाठ बजाए, उनमें बाबा में और हम में सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। आज ब्रह्मा बाप में और हम सभी में सिर्फ एकमात्र यही फर्क है, कितना अनकंडीशनल लव बाबा का है और कितना कंडीशनल लव मेरा है, यही सिर्फ हमें रोके हुए और कुछ नहीं। जितना जितना हम बाप के समान स्नेह का सागर, प्रेम का सागर बनते जाएंगे, उतना उतना हम बाप समान बनते जाएंगे। बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया, समान बनने के बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है, अब किसका रिटर्न देते हैं? हाँ, वो बेहद में रहने वाले बाबा, निर्बंधन रहने वाले बाबा, स्नेह के कारण बंधन में आए, उस शरीर में आके बैठे उतने समय के लिए, कितने घंटों बैठ करके बाबा ने बच्चों के लिए व्यक्त में आकर के मूल्य सुनाया, उनसे मिलन बनाया, एक एक से मिले, एक एक से प्रश्न पूछा, बच्चे ठीक हो, सब मिल रहा है यज्ञ में, कोई कमी तो नहीं है? जरूरी था क्या बाबा के लिए पूछना? हर एक से बाबा पर्सनल मुलाकात करते थे, चलो पर्सनल मुलाकात का समय नहीं होता था तो ग्रुप वाइज भी मुलाकात करते थे, लेकिन करते रहे, क्यों? क्योंकि स्नेह था। और रिटर्न किसका देना है, बाबा क्या बोलते हैं, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है, किसका रिटर्न देंगे? जिम्मेदारी का रिटर्न देंगे, स्नेह का रिटर्न देंगे। स्नेह के रिटर्न में बाबा पूछते तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है, बाबा कहते व्यक्त से अव्यक्त बनना है, समय प्रमाण, अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है, इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते। ये भी बाबा का स्नेह है कि बच्चे व्यक्त से अव्यक्त में आ जाए, बच्चे हद से बेहद में आ जाए। क्यों? क्योंकि बेहद में जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, बेहद में जितनी शक्तियां हैं, उतनी हद में नहीं है। बाबा का बच्चों पे स्नेह है, इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चे देखो मैं जितना अनुभव कर पा रहा हूँ, चाहे वो बाबा के साथ मिलन हो, चाहे शक्तियां हो, चाहे पुण्य कमाना, जो भी हमारी इच्छा है, जिस लेवल पे मैं कर पा रहा हूँ अव्यक्त में बैठे, तुम व्यक्त में बैठे नहीं कर पा रहे हो। तो बाबा का स्नेह हमें खींचता है कि अब हम अव्यक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि अव्यक्त में जो शक्तियां हैं या जो बेहद पना है वो व्यक्त में नहीं है, और बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे उड़े, स्वतंत्र हो, निर्बंधन हो, निर्बंधन होकर के यज्ञ की सेवा करें, इच्छा से करें, अनकंडीशनल होकर के। तो बाबा क्या कहते हैं, इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते, इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे होना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग, उत्साह अच्छा है, माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। आप देखो कर्तव्य दोनों कर रहे हैं, जाकर के तपस्या माइनॉरिटी वाले भी कर रहे हैं और मेजॉरिटी वाले भी कर रहे हैं, पर दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क नजर आ रहा है? एक दिल से है दीदी और दूसरा खाली फॉर्मल। एक में करने की इच्छा है और दूसरे में नहीं, नियम प्रमाण कर रहे, प्रोग्राम प्रमाण कर रहे, बोला है जाना है तो कर रहे हैं, और एक में है करने का उमंग उत्साह है कि नहीं बाबा ने कहा है हम करके देखेंगे, या हम करके देखें कि इसमें क्या है, या मुझे पता है बहुत ही अच्छा है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए जो भी संकल्प है, तो उसके प्रति हर्ष, उसके प्रति उमंग उत्साह है, इच्छा है करने की, और एक के बोला जा रहा है बार बार तो कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो बाबा कहते एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना, दोनों में बाबा कहते ना बहुत फर्क है।
क्यों? क्योंकि एक में बोझा लगेगा, एक में जिम्मेदारी बोझ के रूप में लगेगी और एक में जिम्मेदारी पंख के रूप में लगेगी। एक में जिम्मेदारी पंख के रूप में कि ये जिम्मेदारी जो मुझे आई है उड़ती कला में ले जाने के लिए आई है, या ये प्रोग्राम जो आया है मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, और दूसरा लगेगा कि हाँ ठीक है कहा है इसलिए करना है। तो वहां पर वही जिम्मेदारी पहाड़ लगेगा, वही कर्तव्य बाबा क्या कहते हैं कांटों का ताज लगेगा। बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूं, समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखने चाहते हैं। इसमें कोई में कोई निकलता है, चाहना सभी की है लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तो तपस्या का सहज और सदा का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। क्या क्या आ जाता है इस बेहद के वैराग्य में, जो कि हमारी तपस्या का फाउंडेशन बनता है? कैसा दिखेगा ये बेहद का वैराग्य? जो हमारी तपस्या का फाउंडेशन बने। शांति, बेहद का वैराग्य तभी दिख सकता है जब अगर ऐसा हम सोचे कि एक बल एक भरोसा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, क्योंकि हमको जो प्राप्ति होने वाली है अब बाबा से मिलने वाली है, देहधारियों के थ्रू जो होगी वो टेम्पररी होगी, वो परमानेंट कभी हो ही नहीं सकती है। तो अगर हमको कुछ परमानेंट चाहिए तो तभी ये हो सकता है जब एक बल और एक भरोसा। हम शांति, हाँ जी, और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे बिल्कुल बाबा ही बुद्धि में हमारी आंखें एकदम अपनी लगी रहे हैं, और अभी जैसे मुरली सुनते समय अनुभव कर रहे हैं कि बस दुनिया कुछ ना कुछ विचार आ रहे, दुनिया के ना कुछ संकल्प आ रहे, किसी के विषय में संकल्प ही नहीं चल रहे, बस बाबा और मैं, बाबा वो क्या कह रहा है मेरे लिए मैं वो सुन रही हूँ, मुझे क्या करना है, बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो मुझे करना है, बस अभी इस पल कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी लग रहा है कि हम बेहद के वैराग्य है या ऐसा ही बनना है हमको, अभी जो फील हो रहा है उसके विषय बता रहे। ओम शांति जी, और बताइए। जय श्री बहन, साक्षी स्थिति, नष्टमा स्थिति, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ये बड़े बड़े शब्द हम नहीं लेंगे हमारी क्लासेस में। हाँ जी नीतु बहन बोलिए। दीदी, एक तो होता है कि मुझे तपस्या करनी है इसलिए मुझे इससे ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ऐसे मैंने क्राइटेरिया बनाया है। एक है दीदी कि मेरी नीड खत्म हो जाए अंदर से, कि मुझे कुछ खाने की इच्छा है या किसी के साथ की इच्छा है, और वो नीड तभी खत्म होती है जब वो फुलफिल होती है, ऐसा ऐसे अनुभव होता है कि कोई भी चीज हमने छोड़ा कि बाबा ने ऐसे बोला है, ये हमारा नियम है, धारणा है, हमें ये चीज छोड़नी है, लेकिन एक नीड बनी रहती है, भले ऊपर से हमने कोटिंग कर ली है कि नहीं हम धारणाओं पे चल रहे हैं, लेकिन अंदर की जो नीड है, जैसे हमने प्योरिटी ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, लेकिन उसको मेंटेन करना कि हर क्षण संकल्पों में भी मुझे वो पवित्रता धारण करनी है, तो वो फुलफिल होनी चाहिए, वो जो नीड है एनर्जी की वो अगर पूरी है, हर तरह की नीड मुझे बाबा से वो एनर्जी अगर मिल पा रही है तो फिर वो उत्पन्न ही नहीं होती। तो जैसे मैं न्यूट्रल मोड पे चली जाती हूँ, जो मेरी इच्छाएं थी वो ऐसे इरेज हो गई है जैसे, और इसलिए ये नहीं कि भाई मैं रूखी सूखी हो गई हूँ अंदर से, वो मैं अंदर से पूरी फिल्ड हूँ, ऐसे फील होता है। वो चीजें उनसे वैराग्य क्या मतलब, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है लौकिक में, वो चीजें जिनकी मुझे नीड नहीं है, जिनसे मुझे प्राप्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो मेरा पेट भरा हुआ है, तो
तो उनसे वो वैराग्य जो आ रहा है वो फील हो रहा है कि हाँ ये बेहद का है जैसे। ओम शांति। और अगर पेट फिल नहीं हो तो दीदी एक पुरुषार्थ सा चलता रहता है, माना हद में भी कभी आने की इच्छा होती है कि मैं इस थोड़ा कुछ खा लेती हूँ यहाँ से, ऐसा खींचतान सी चलती रहती है, कभी हद में कभी बेहद में ऐसा चलता रहता है। ओम शांति। जी मानसी मैम बोलिए। ओम शांति। दीदी मैं थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ, अभी यहाँ पे ना बाबा का सेंटर बन रहा है नया, तो वहाँ पे भूमि पूजन था, तो वहाँ पे ना सब बड़ी बड़ी दीदी आए हुए थे। ओके बोलो मानसी मैम। मानसी मैम मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ दीदी। हाँ जी श्वेता मैम बोलिए। दीदी जैसे पहले ज्ञान में चल रहे थे तो ऐसा लगता था कि बस कुछ भी नहीं करें, कुछ भी इन्वॉल्व होने से बहुत उस तरफ खिंचाव लगता था, तो ऐसा लगता था कि ये भी अगर करना है ज्ञान में आने के बाद भी, जितने भी कार्य होते हैं जैसे घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, अगर ये भी करना पड़े तो फिर ज्ञान में आने का मतलब ही क्या है। पहले मुझे दोनों का वो नहीं समझ में आता था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वहां रह के लेकिन अफेक्टेड ना होना, जैसे कि हमें अपना कर्तव्य करना है और उपराम रहना है, ये थोड़ा समझ में आया। और फिर अभी इन दिनों दीदी मुझे एकांत में रहना एक्चुअली पसंद नहीं है, मुझे कोई चाहिए साथ में, लेकिन अभी बाबा एकांत में रहने का बाबा ऐसा लग रहा है इंस्पिरेशन दे रहा है कि अपने अंदर से सोशल से एक भी कोई चाहिए, वो चीज का भी भावना अंदर से खत्म हो जाए, कोई नहीं हो मेरे आस पास, फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं हो, तो ये धीरे मतलब अंदर से जग रहा है। तो बेहद का वैराग्य मुझे लगता है कि धीरे धीरे डेवलप हो जा होते रहता है अपने पुरुषार्थ से। ओके ओके। हां जी जय श्री राम। हाँ दीदी, जैसे स्टार्टिंग में भी आपके द्वारा बाबा ने बताया कि निराधार स्थिति, वो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि सर्व प्राप्तियां, सर्व रस, सब कुछ एक बाबा से, ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती जाती है, तब तक वो वाले धागे, वो वाले छोटे छोटे जो हमारे डिपेंडेंसी वो खत्म नहीं होती है, तब तक हम इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं करते हैं, और जब तक ये वाला काटा नहीं है मतलब सूक्ष्म में, तब तक वो वाली फीलिंग ही नहीं आती कि हाँ मुझे छोड़ना है, क्योंकि हम अभी तक द्वापर से इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि उसका साधना वश बोलो या देह के वश बोलो या संबंधों के वश इतने आ गए हैं कि अभी वो होराइजन अभी धीरे धीरे दिखने लगा है, और वो डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसे मैं खुद में ऑब्जर्व कर रही हूँ। अभी तक हम बैठे हैं शोक वाटिका में, क्यों ये होगा तो आएगा, ये रस मिलेगा तो आएगा, इससे बहुत ऊंची ऊंची परीक्षाएं हमारे सामने आने वाली है, तो थोड़ा हम डिफरेंट लेवल पे देखते हैं। इसको कहा जाता है, इसको कहेंगे बेहद का वैराग्य, लेट्स रीनेम इट, इसको कह सकते हैं आई हैव एन आई ओनली फॉर शिव बाबा। हमारे जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम में दिव्य गुण शक्तियां सब भरने लग जाएंगे, और भरते भरते भी चलो अभी तो हम वहां बैठे हैं, ये दिक्कत है, ये पेन है, उसके आधार से हम अपने आप को चेक करके चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब दिक्कतें और ये सारी चीजें दिखाई नहीं देगी, दिखता जाएगा कि हम थोड़ा थोड़ा परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे कई आत्माएं हमारे जीवन में आएंगी, हमें प्रेस करेंगी, हमारा समय चाहेंगी, हमें बहुत ज्यादा आगे होकर मिलना चाहेंगी, बात करना चाहेंगी, सब करना चाहेंगी, हमसे जुड़ना चाहेंगी, और तब हमारी एक्चुअल परीक्षा शुरू होगी। अभी तक तो जैसे नीतू बहन ने कहा कि हमारी इच्छाएं हैं, अब वो इच्छाओं की पूर्ति मुझे बाबा से करनी,
या वो इच्छाएं जब तक कि मेरे को बाबा से रस नहीं मिलेगा तब तक मैं निराधार नहीं बनूंगी। ठीक है, ये तो अभी की स्टेज है। थोड़े समय के बाद में वो इच्छाएं पूरी करने के लिए कई सारी मतलब ओवरफ्लो हो रहा होगा। जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति ओवरफ्लो हो रही होगी। अनेक अनेक आत्माएं हमें आकर के वही चीज देना चाह रहे होंगे जो हमारी इच्छा है। हम नहीं मांग रहे हैं, हमने एक में दो में अटक रहे हैं कि हमें चाहिए हमें नहीं चाहिए, लेकिन आ करके वो देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी तो अपीलिंग बन रहे हैं ना। जैसे जैसे पवित्र होती जाती है आत्मा, उसका आकर्षण बढ़ता जाता है। बहुत आकर्षित करती है वो आत्मा जो पवित्र हो रही है, और पवित्र चीज को हर कोई ओन करना चाहता है, हर कोई अपने पास रखना चाहता है। आज देखो एक गुलाब का फूल है, बहुत सुंदर है, हर कोई चाहेगा तोड़ करके अपने पास रख ले, अपने घर में रख ले, चाहे भगवान के आगे ही रखे, लेकिन हम इसे ओन कर ले, ये हमारा हो जाए, बहुतों की ये इच्छा रहती है। क्यों? क्योंकि पवित्र चीज आकर्षित करती है, गुणों से भरी चीज आकर्षित करती है। तो वही अनेक अनेक आत्माएं हमारे जीवन में आकर के हमारा आधार बनना चाहेंगे, बदले में कि हमारा थोड़ा समय उनको मिल जाए, या हम उनके हो जाएं, या हम उनसे बात करें, या जो भी हमारी इच्छाएं पूरी करें। लेकिन तभी भी जैसे बाबा कहते ना, पतिव्रता पत्नी, आई हैव एंड आई ओनली फॉर शिव बाबा। जब कोई कमी नहीं है, और अगर है भी थोड़ी बहुत, तो पूरी करने के लिए पूरी दुनिया हाजिर है, तभी भी क्या बाबा से सच्चा प्यार है कि बाबा मैं आपकी और आप मेरा, बस। तो उसकी चेकिंग है आज कि अगर क्या बाबा से जो इच्छा रखी है पूरी होने की, वो इच्छा पूरी नहीं भी हो रही है, क्या तभी भी वो रस हमें नहीं मिल रहा है, क्या तभी भी मैं पतिव्रता पत्नी हूं, क्या तभी भी मैं सिर्फ बाबा की ही हूँ, या फिर नहीं नहीं थोड़ा इधर से ले लेते हैं, थोड़ा उधर से ले लेते हैं, थोड़ा सम्मान यहाँ से मिल जाए, थोड़ा प्यार के दो बोल यहाँ से मिल जाए, क्या मेरे जीवन में ओनली शिव बाबा है, या ओनली बट वन, ओनली बट टू, ये चल रहा है, उसकी चेकिंग आज है। क्योंकि आने वाले समय में ये माया भी बहुत आने वाली है, उसकी चेकिंग हमें आज भी करनी है। क्या जो खाने का मन कर रहा है, क्या ये खाना या ये जो इच्छा है, ये वर्सेस बाबा कौन है मेरी नजर में? और जितना यूनानिमस, जितना एक अटल हमारा और एक जवाब हमारा होगा कि नहीं बाबा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बाबा से वो रस मुझे मिले या ना मिले, चाहे बाबा से मुझे वो अनुभूति हो या ना हो। जैसे बोलते हैं ना बाबा, अब भाई पत्नी है या पति है, शादी हो गया, अब थोड़ी जा करके देखेंगे कि नहीं भाई यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं, वहां पर भी देख, इसमें इतनी क्वालिटीज है, उसमें इतनी क्वालिटीज है, नहीं परख लिया, शादी कर ली, बना लिया, अब थोड़ी जा करके हर जगह पे ढूंढेंगे, नहीं मुझे ये चाहिए, यहाँ से तो नहीं मिल रहा है तो यहाँ से ले लो, वहां से ले लो। उसे पतिव्रता पत्नी या पत्नी व्रता पति थोड़ी कहा जाता है। तो हमें चेक करना है, इच्छाएं तो हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने की बाबा से इच्छा भी है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तभी भी क्या सिर्फ बाबा है, या और हाँ थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, वहां से ले लेते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं, वो पतिव्रता पत्नी या पत्नी व्रता पति नहीं। और ऐसी आत्मा को बेहद का वैराग्य स्वतः है। क्यों? क्योंकि उसको बाबा के अलावा कोई चाहिए ही नहीं, उसकी बुद्धि में सिर्फ बाबा, बाबा देखो ये हुआ तो भी आप, वो हुआ तो भी आप, मतलब उसने उसकी बुद्धि के जितने भी कनेक्शंस हैं, उस आत्मा की बुद्धि के जितने भी कनेक्शंस बने हुए थे आज तक, के मेरे माँ ये, मेरे पिता ये, मेरा भाई ये, मेरा अच्छा दोस्त ये, बेस्ट फ्रेंड ये, मेरा ये सुख देने वाला फ्रेंड ये, या जो भी जो कनेक्शंस बने हुए थे, वो कट चुके हैं, बुद्धि जा ही नहीं सकती है वहां पर, उसने उन सारे कनेक्शंस को तोड़ दिया है और सारे शिव बाबा से जोड़ दिए है ही नहीं। तो अब कोई कनेक्शन ही नहीं बचा किसी से, अगर कोई कनेक्शन ही नहीं बचा किसी से, तो क्या हम सोचेंगे,
कि हमें ये रस बाबा से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अरे मेरा तो एक ही जवाब है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस को तो खत्म ही कर दिया है, जला दिया है, खत्म कर दिया है। मेरा एक ही ऑप्शन है शिव बाबा भी का, जिसके ऊपर ये गाना है कि तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार, क्योंकि अब तू ही रहा है जीवन में और कोई रहा ही नहीं। इसको कहते हैं समर्पित होना। अब चाहे तुम भूखा रखो, चाहे तुम हमें गर्मी में रखो, सर्दी में रखो, चाहे तुम हमें कैसे भी रखो, क्योंकि और सारे संबंध और सारे रिश्ते तोड़ दिए, ब्रिज क्रॉस कर लिया है, अब कोई बचा ही नहीं पुराना। जो हो गए शिव बाबा, शिव बाबा जैसे भी रखे, शिव बाबा चाहे पूर्ति ना भी करे इच्छा की, अगर ये सोच करके कि हमारी पूर्ति यहाँ नहीं हो रही है, हम इधर उधर जाते हैं, तो अभी भी कनेक्शंस ओपन है, खुले हुए हैं, तो वो समर्पित नहीं है, वो आत्मा आधार बने हुए हैं उसके और भी, तो उस आत्मा को समर्पित नहीं कहेंगे। समर्पित आत्मा माना निराधार आत्मा, निराधार। अब बचा ही नहीं है कुछ, मतलब बुद्धि में ऑप्शन ही नहीं है, क्या करूं, किसको बताऊं, कोई है ही नहीं, किसी से भी वो तार जुड़ा ही नहीं है। क्या आज अगर रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, कुछ बहुत अच्छी बात हो गई, कुछ बहुत बुरी बात हो गई, बुद्धि पूरा घुमा के देख लिया, कोई चेहरा ही नहीं बुद्धि में आ रहा, किसको बताएं, कोई अपना है ही नहीं, एक ही अपना है, उसी को बताएं। तो तुम ही संग बैठू, तुम ही संग खाऊ, तुम ही संग रास रचाऊ, ये जो बातें बोली जाती है, तुम ही संग बैठू, तुम ही संग खाऊ, या के और कहीं बुद्धि जाए नहीं, या तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, ये आउटकम है, ये इनपुट नहीं है। हमारी बुद्धि में ये चीज इनपुट के रूप में नहीं आनी चाहिए कि मेरे बुद्धि में आए कि नहीं नहीं बाबा तुम ही संग खाऊ, तुम ही संग बैठू, तुम ही संग रास रचाऊ, नहीं, ये आउटकम है। जब एक से प्रीत जुड़ी है तो ये आउटकम के रूप में दिखाई देता है, ऐसे आउटकम के रूप में कई सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन हम दो तीन चीजों को लेके बैठ जाते हैं कि बाबा ने कहा है तुम ही संग बैठू, तुम ही संग खाऊ, या मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही संसार है। ये आउटकम है हमारी उस शाश्वत फीलिंग का, हमारी उस एक व्रता फीलिंग का ये आउटकम संकल्प है। पर बीज है एक व्रता, बीज है शाश्वत सालिम बुद्धि, बीज है एक से लगी बुद्धि। जब एक से लगी होगी तो मुख से ये सारे महावाक्य निकलेंगे जो बाबा के हैं, लेकिन ये हमारे बुद्धि में इनपुट की तरह ना जाए कि नहीं नहीं बाबा ने कहा नहीं ये नहीं खाना मुझे, क्यों, क्योंकि बाबा ने कहा है बाबा जो आप खिला तेरे कांटों से प्यार तेरे फूलों से भी प्यार, ये उल्टा ज्ञान हो गया। मन कर रहा है कि हम इधर उधर जाएं और इधर उधर खाएं, इधर उधर करें, लेकिन एक्चुअल में उसको रोकने के लिए हम ये इनपुट के रूप में डाल रहे हैं, नहीं उस बुद्धि ने बाबा से प्यार नहीं किया है अभी तक, प्यार करने का प्रयास है, अनेक अनेक तट छोड़ने का प्रयास है, आधार छोड़ने का प्रयास है, लेकिन अभी प्यार हुआ नहीं है, अभी बाबा संसार बना नहीं है। ये बात स्पष्ट हो रही है? इसलिए बाबा कहते हैं कन्याएं बहुत अच्छे से कर पाती है, क्योंकि अभी तक बटी नहीं है, एक दो के बीच में रिश्तों में बटी नहीं है, उसकी बुद्धि एक बार में बाबा से जुड़ सकती है, लेकिन बात और भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पुरुषार्थ है, चेकिंग है, ध्यान है, क्या बाबा से सालिम प्यार है, क्या बाबा से एक व्रता प्यार है, उसके रिजल्ट में बहुत कविताएं, गाने, भावनाएं बहेंगी, निकलेंगी, उसके आउटकम के रूप में निकलेंगी, उसके आउटकम के रूप में त्याग भी हो जाएगा, बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन वो त्याग आउटकम है, इनपुट नहीं है, मेहनत नहीं है, वहां पे मोहब्बत है। क्लियर हो रहा है? क्या लग रहा है? जी दीदी, तो हम जो कह रहे हैं कि इंसानों से लेना तो अल्पकाल का है, या इनसे लेना तो बहुत बड़ा बंधन है, यहाँ पर अभी भी बुद्धि दो के बीच में डिसाइड कर रही है, बाबा की तरफ जाऊं या इनकी तरफ जाऊं, और दोनों के बीच में डिसाइड करके प्रोज एंड कॉन्स चेक कर रही है,
यार यहाँ से लूंगी ना तो टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए ही मिलेगा, यहाँ से लूंगी बाबा से तो अच्छा है, बादशाही भी मिल रही है, सत्युग में भी जाने को मिल रहा है। ये बुद्धि प्रोज एंड कॉन्स में अटकी है, ये बुद्धि प्यार नहीं कर रही है, ये बुद्धि प्यार नहीं जी रही है, ये बुद्धि बाबा से नहीं लगी है, ये बुद्धि फायदे और घाटे देखने में लगी है। नीतू बहन तो क्लियर तो हो? बुद्धि कैसे लगनी चाहिए? अच्छा तो अब हमें प्यार करना सीखना है, हमें आता है, करेंगे क्लास करेंगे, लेकिन पहले दीदी, समझे। समझ में आ रहा है दीदी। हाँ जी दीदी, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दीदी। तो ये बुद्धि की चेकिंग की बहुत महीन अवस्था है कि बुद्धि एक्चुअल में कहाँ अटकी है। बाबा कहते चाहना भी, चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। अब कुछ आत्माएं बेहद के वैराग्य को इनपुट के रूप में लेती है, नहीं, मुझे है ना बेहद का वैराग्य करना है ना, इसलिए मुझे ये नहीं खाना चाहिए। और कुछ आत्माओं के लिए बेहद का वैराग्य आउटपुट है, उनका प्यार ही बाबा से इतना हो गया है कि कोई और चीज उनको भाती ही नहीं है। जैसे बाबा कहते थे ना, लैला मजनू की कहानी देखो आप, या किसकी भी देखो, आंखें खोलो। आप लोगों ने अगर मजनू की कहानी देख सुनी हो तो वो कह रहा था, उस पेड़ के नीचे बैठा था और आंखें बंद करके बैठा था। पहले भी बताइए, शायद फिर से बताऊंगी। पेड़ के नीचे बैठा था और आंखें बंद करके बैठा था, आंखें खोल ही नहीं रहा था। तो उससे कोई पूछता कि भाई तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे, बंद करके क्यों बैठे हो? तो बोलता खोलूंगा तभी जब मेरी लैला सामने होगी, उसके सिवाय मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, देखना ही नहीं है। देखूंगा तो सिर्फ उसको देखूंगा और नहीं तो किसी को नहीं देखूंगा। तो हो गया ना, अब बताओ उसको बेहद का वैराग्य करना पड़ा या उसके अंदर बेहद का वैराग्य अपने आप आ गया? क्योंकि एक के प्रति, क्योंकि हैज आई ओनली फॉर वन। उसकी आंखें उसकी लैला पर ही टिकी है, तो जब एक पर टिकी है तो बाकियों से तो वैराग्य अपने आप हो गया ना। या एक एक करके चीजों को निकालें, इससे भी वैराग्य करना है, इससे भी वैराग्य करना है, तो एक पर टिके फिर भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उस बुद्धि को भटकने की आदत है, टिकने की आदत ही नहीं। समझ में आया कि हमें मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत करनी है। अच्छे से समझ में आया। तो दीदी इसकी गहराई से निशानियां क्या होंगी कि हमारी एक मिनट कितनी टिकी है और कितनी अभी रही हुई है? आप चेक करो कितनी जगह पर अटक जाते हो, या बाबा से ज्यादा किसी और को, मतलब बाबा के अलावा आपको कहीं पर भी अगर कुछ भी नजर आ रहा है तो वहां अटकी है, भटकी है। कुछ करेंगे भी कैसे कैसे दीदी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, हम इसके ऊपर क्लास करेंगे, ट्री ऑफ कनेक्शंस ठीक है? करेंगे। ठीक ओके। तो बाबा कहते बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित बनी हुई आत्माओं की इशारे प्रमाण सेकेंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए वह नहीं होती। कितना अच्छा बाबा बोल रहे, ये जो भी बातें बाबा बोलते हैं ना, ये बातें बाबा रिजल्ट आउटकम के रूप में बोलते हैं। जैसा बाबा को दिखाई देता है वो प्यार, जैसे आज हम बोले प्यार क्या होता है, कहाँ कहेंगे प्यार कहाँ दिखाई दे रहा है, तो प्यार नहीं दिखाई देता, प्यार के इशारे दिखाई देते हैं, प्यार का मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है। प्रेम थोड़ी दिखाई देता है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म है, वो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, लेकिन वो इमर्ज होती है कहीं ना कहीं रूप में। तो हम कहेंगे एक माँ जब नवजात शिशु को हाथ में उठाती है, देखो वो प्यार है, कितने प्यार से उसकी रखवाली करती है, ध्यान करती है, उसका सब कुछ सही देखती है। या जब पहली बार बच्चा कोई कदम उठा रहा होता है तो माँ बाप कितने खुशी में होते हैं, कितना उसको गले लगाते हैं, ये प्यार है। क्योंकि इन दो आंखों को प्यार नहीं दिखता है, प्यार का रिजल्ट दिखता है, प्यार का आउटकम दिखता है। तो बाबा जो इन दो आंखों को दिखता है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि प्यार तो दिख ही नहीं सकता ना दिल में। बाबा के लिए प्यार कितना है ये हमारे कर्मों से दिखेगा,
वो कर्म जिसमें प्रेम मैनिफेस्ट हुआ वो कर्म ऐसे दिखते हैं, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं दिखता है। प्रेम जब इन दो आंखों को प्रत्यक्ष होता है तो कर्मों में दिखाई देता है, लेकिन प्रेम तो एक अलग ही फीलिंग है। उस फीलिंग को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने कर्मों से, लेकिन वो फीलिंग हमारे अंदर अलग है, वो भरपूरता की फीलिंग है, दिल में है वो फीलिंग। जब वो बाहर आती है तो उसके रूप रंग अनेक अनेकानेक दिखते हैं, कहीं कैसे प्रत्यक्ष होती है, कहीं कैसे प्रत्यक्ष होती है। तो जो बाबा यहाँ बातें बोलते हैं वो मैनिफेस्टेड प्रेम की बात करते हैं कि जब प्रेम होगा तो उसकी निशानी ये है, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो उसकी निशानी है। प्रेम के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन कुछ निशानियां बाबा यहाँ बताते हैं और फिर चेकिंग भी दिखाते हैं कि बाबा बोलते हैं समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित बनी हुई आत्माओं की इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए वह नहीं होती। बाबा कहते वो नहीं होती। बाबा कहते जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार। ओम शांति, इसको एक बार और समझा दीजिए थोड़ा। बना समय प्रमाण प्यारे बने, हमने हमारा प्रेम दिखाया, हमने हमारी बात रखी, कुछ भी किया, और समय प्रमाण श्रीमत पर, लेकिन बदले में जो रिस्पॉन्स मिला निमित बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण या जो भी मिला और हमें बोला कि ऐसे नहीं ऐसे करना, वैसे वैसे नहीं करना, तो बुद्धि को उस समय तुरंत न्यारे नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि अब कहाँ अटक गए, डिसीजन में अटक गए। मैंने कहा था ना, मैंने ऐसा कहा था, अभी आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो अब वो बुद्धि कहाँ अटक गई? उस डिसीजन पे अटकी, ना कि बाबा पर रुकी कि ठीक है ना बाबा है, मेरे लिए कौन प्रायोरिटी है? मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मेरा डिसीजन माना जाए, मेरे लिए ये जरूरी है कि मेरी नजरों में बाबा समाया रहे। तो हु एल्स, कौन कौन आ गया वहां पे? तो बाबा क्या बोलते हैं, जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। किस लिए हिम्मत चाहिए? कि अब डिसीजन लेना है हमें। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, शिव बाबा मेरा शिव बाबा। अब शिव बाबा के यज्ञ के हित के लिए मुझ आत्मा ने एक डिसीजन दिया या एक अपनी राय दी। क्यों? तो अभी क्या हो गए, मैं और शिव बाबा एकदम अलाइंड है। शिव बाबा के लिए करी हूं ना मैं, तो हमने मिल करके, मैंने और बाबा ने, बाबा की याद को बुद्धि में रख करके मैंने और बाबा ने डिसाइड किया कि ये होना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए, ये बाबा के यज्ञ के लिए एकदम बेस्ट होना चाहिए। अब क्या हुआ, तीसरी एक आत्मा आई जिसने अपने बाबा के प्यार का रूप रख करके उस डिसीजन के अनुरूप कुछ और डिसीजन ले दिया। अब क्या करना था, अब इस डिसीजन से जो हमने लिया था उससे हमें छूट करके वो डिसीजन जा रहा है यहाँ पर, और हमें उससे छूट करके, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा ना, बिना दिखाई दे समझ नहीं आएगा इसलिए स्क्रीन पर सब दिखते रहे, उससे छूट करके हमें एक्चुअल में बाबा को पकड़ लेना था। फिर से उस डिसीजन से छूट करके हमें बाबा को पकड़ लेना था, यहाँ पे छूटना था, यहाँ पर इससे अलग होना था। ये अलग होने की प्रतिक्रिया डिटैचमेंट, ये मुश्किल हो जाता है। जुड़ना तो बहुत आसान है, हाँ ठीक है मैं बाबा के लिए ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन जब कोई और विपरीत फोर्स आए या कुछ है और हमें वो जो हम कर रहे हैं जब जुड़ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हम बाबा के लिए कर रहे हैं या अपनी नामांशान के लिए कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं होता, लेकिन बाबा नाम ऐड कर दिया तो लगता है नहीं बाबा के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल परीक्षा तो तब आती है जब हमारे अनुसार कोई डिसीजन नहीं हो रहा है या हमारे अनुसार बात नहीं हो रही है, तब हम उस डिसीजन का भी त्याग करके बाबा के साथ ही रहें। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी तो बाबा ही है, मेरा तो बाबा है। तो वहां पे जब अलग होने की बात आती है, अटैचमेंट तो बहुत आसानी से हमें करना आता है, लेकिन डिटैचमेंट की जब बात आती है तब हिम्मत चाहिए, तब बुद्धि को डिसाइड करना है कि अभी मुझे बाबा चाहिए या वो डिसीजन चाहिए। तो अब अलग होने, अब चूज करना है, तो चूज करने में फिर लगता है कैसे छोड़ दें, बाबा का यज्ञ है, ऐसे कैसे हो सकता है, वे तो गलत कर रहे हैं। तो क्या रहा, सब कुछ रहा लेकिन बाबा नहीं रहा, तो न्यारे नहीं बने। समझ में आया? बहुत अच्छे से।
दीदी आपके जितने एग्जांपल्स में ऐसा लग रहा है कि मेरापन ही हमें अटका देता है ना, बिल्कुल, क्योंकि उससे डिटैच नहीं हुए ना, मेरे के ऊपर भी बाबा, तब तो कुर्बान है ना परवाना क्षमा पर, उस दो दीदी आई थिंक यहाँ पे हम ये मेरापन ज्यादा इसलिए भी आता है ना कि हम ये मतलब अपने से बाबा से ऊपर अपने को समझने लगते हैं, अपने दिमाग लगा ज्यादा वो उसको समर्पित नहीं हो पाते कि उस पर छोड़ो वो करेगा जैसे होना है वो सब ठीक होगा, हम अपना दिमाग क्यों चलाएं? नहीं इसमें भी, इसमें भी अभी आउटकम के प्रति अटैचमेंट है कि बाबा पे छोड़ दिया, आपने कर्म किया बाबा पे छोड़ने का, आपने मोहब्बत नहीं करी बाबा से, बाबा पे छोड़ा, सोचा कि बाबा पे छोड़ देते ना बाबा जैसा दिखेगा वैसा, इसका क्या मतलब, बाबा को काम दे दिया, बाबा अब आप रिस्पॉन्सिबल हो, स्वयं को बाबा के हाथों नहीं करके बाबा के हाथ में जिम्मेदारी दी। जब मैं दीदी एक बार और समझाइए, जैसे ही आपने कहा कोई बात को छोड़ दिया, न्यारे हो गए, जैसे सपोज करो मैंने कोई डिसीजन लिया ठीक है, तो अगर मुझे लगा कि नहीं ये सबके हिसाब से और ये ऐसे ऐसे बन रहा है तो बाबा को छोड़ो अपना छोड़ो, अपना कोई जरूरी थोड़ी ना है अपना वाला माने हो, तो जो सबके हिसाब से होगा या बाबा जो चाहेगा तो बाबा को बुद्धि से उस चीज को अर्पित कर देना कि बाबा आप जानो आपका काम जाने। तो इसमें आपको न्यारे होने में कितने संकल्प लगे, न्यारे होने में कितने संकल्प लगे, बाबा सबके लिए आप जानो, आप सबके लिए जिम्मेदार हो, मैं थोड़ी हूँ, आपका काम है मेरा थोड़ी है, तो अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये आपका डिटैचमेंट लाने का प्रोसेस हुआ, आप शुरू से उस सजेशन के प्रति डिटैच्ड थे ही नहीं, इसलिए अब आपको डिटैचमेंट लाने में समय लग रहा है। तो अब शुरू से डिटैच्ड हैं या नहीं ये कैसे वो पहचान होगी दीदी? हां जी अब करेंगे, गहराई बहुत है। तो बाबा कहते हैं समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित बनी हुई आत्माओं की इशारे प्रमाण, सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए वह नहीं होता। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो, प्यारे बनने में होशियार है, प्यारा मना हमें इस बात को याद रखना है, प्यारा मना अटैचमेंट, प्यार का रूप आज के समय में पूरी दुनिया में जो है वो अटैचमेंट का ही है। तो बाबा क्या कहते हैं, प्यारे बनने में होशियार है, मना अटैच होने में होशियार है, लेकिन बाबा कहते हैं न्यारे बनने में सोचते हैं, डिटैच होने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद के वैराग्य वृत्ति। बाबा राउंड अबाउट लेके जाते हैं, जो आत्माएं मोहब्बत नहीं कर पाती उनको बाबा समझाते हैं, बच्चे न्यारा बनोगे तो किनारा छोड़ोगे और किनारे छोड़ोगे तो बेहद के वैराग्य वृत्ति आएगी। एक हो गया बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आ रही है क्योंकि मोहब्बत है, लेकिन जिनमें मोहब्बत नहीं है उनमें फिर इस तरह से आएगी, नहीं आप छोड़ो छोड़ो कैसे तो करो। तो बाबा कहते हैं किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है लेकिन छोड़ने में क्या करते हो, लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है, इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। कितना अच्छे से बाबा समझा रहे, इंचार्ज बनना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इंचार्ज बन जाते हैं और क्या करते हैं, अपने हिसाब से दुनिया को चलाएं, अपने हिसाब से सेंटर चलाएं, अपने हिसाब से ग्रुप चलाएं, अपने हिसाब से सब कुछ करें, लेकिन वो आत्माएं उस श्रीमत का जो बाबा दे रहे हैं या उस डायरेक्शन का जो बाबा दे रहे हैं उसको पालन कर पाए उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, ये नहीं समझते हैं कि उस आत्मा में भी कमी है, जिसके कारण क्यों, क्योंकि डिटैच नहीं है अटैच्ड है। अटैच्ड होने के कारण हुक्म हम जब बहुत अच्छा चलाते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसे चलना चाहिए, क्यों इंचार्ज है ना तो सब बोलेंगे, लेकिन उस हुक्म का की पालना हो, वो आत्मा उस पर चल पाए, उसके लिए उसकी जो बैटरी चार्ज करनी है वो बैटरी चार्ज करना हमें बुद्धि में आता ही नहीं, क्योंकि हम तो हुक्म से अटैच्ड है, हम इंचार्ज पने से अटैच्ड है, उसकी जिम्मेदारी जो दूसरों को चलाने की जिम्मेदारी है वो हमें बहुत अच्छे से आती है, लेकिन उस चलाने में हमारी क्या जिम्मेदारी है, सिर्फ डायरेक्शन देना या उन आत्माओं को भरपूर करना,
उन आत्माओं को पीछे से सपोर्ट देना कि वो उन डायरेक्शन पे चल पाए, ये डिटैचमेंट है। तब हमने जो हमारे द्वारा जो बाबा ने बोला हम निमित्त बन के बोले और निमित्त बन करके पालना भी दे रहे, तब ये दिखाई देता है कि हाँ उनमें अभी ये कमी है, तो इसके लिए हमें ये योगदान देना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा उनके लिए ताकि वो आगे बढ़े। तो अगर अटैचमेंट है तो सिर्फ हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अगर अटैचमेंट है तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, डेलीगेट करेंगे, दूसरे को दे देंगे तुम्हें ये करना है। लेकिन अगर निमित्त बना है और अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए शुभ भावना भी रखेंगे। कामना तो कर दी बहुत अच्छे से, शुभकामना ये भाई आपको ये करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे की शुभ भावना, हमारा योग का बल या बाबा से उनको सकाश दिलाना, उनको आगे बढ़ाने के लिए बल भरना, ये नहीं कर पाएंगे। हाथ से देना आ जाएगा, नहीं तो आपको ये करना चाहिए, करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी, लेकिन उस जिम्मेदारी के पीछे हमारी क्या सूक्ष्म जिम्मेदारी है वो हम नहीं समझ पाएंगे। और ये जब आता है जब डिटैचमेंट होता है, और अखुट और डिटैचमेंट के कारण रूहानी प्रेम जागरूक होता है, और रूहानी प्रेम हमें हमारी जिम्मेदारी दिखाता है कि हमारी उसके पीछे क्या जिम्मेदारी है, शक्तियों से भरपूर करने की जिम्मेदारी, ना कि सिर्फ ऑर्डर मारते रहना ये करो ये करो ये करो, आपको ये करना चाहिए आपको वो करना चाहिए, उसके पीछे उनको शक्ति से भरपूर करने की जिम्मेदारी भी उसी आत्मा की है जिस आत्मा ने उन्हें ये डायरेक्शन देने के निमित्त बने कि आपको ये करना है। हमारे ही खाते में जाएगा, अगर वो आत्मा वो काम नहीं कर पाई, वो सेवा नहीं कर पाई, तो वो हमारे ही खाते में जाने वाला है, कहीं और नहीं जाने वाला। बाबा कहते हैं सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है, इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। बाबा कहते तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। दो तीन लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना। बाबा कहते तपस्या अर्थात एक का बनना, यही हमारी तपस्या है। उस मोहब्बत को रिफाइन करते जाना, चेक करते जाना, चेंज करते जाना। बाबा कहते हैं जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं, एक नामी। बाबा कहते तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, एक का पाठ मुश्किल है और सहज है, है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो। बाबा क्या समझा रहे, बाबा कह रहे तपस्या अर्थात एक का बनना। अब एक का बनने के प्रोसेस दो हो सकते हैं, शिव बाबा का बनने के, एक का बनने के दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक कि हमने तो बाबा को संभाल लिया आंखों में, अब कोई है ही नहीं, बाबा ये एक का छोर पकड़ लिया, बाकी सारे किनारे आप ही छूट गए क्योंकि एक को पकड़ लिया, जो कि जो आत्मा, और ये आत्मा का गुण है, वो बुद्धि जो उसने भटकना देखा ही नहीं, भटकती नहीं, जो हमेशा से एक ही को आधार बना के आई थी। अगर आप अपने जीवन में भी देखो तो आपने एक ही से सारी इच्छा रखी होगी, एक ही को सब कुछ बनाया होगा, एक ही को मान लिया होगा, कहाँ दो तीन जनों पांच छह जनों पर रिलाय करें, एक ही को चलाते हैं जैसा है वैसा, बहुत अच्छा। तो वो बुद्धि हुई जो भटकना नहीं जानती है। तो एक तो हुआ तरीका कि एक ही को अपना लिया, दूसरा तरीका हुआ कि अनेकों से किनारा किया, दूसरा तरीका हुआ अनेकों से किनारा किया। जैसे ये मेरे डॉक्टर है, ये मेरा गाइड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्वर है, ये मुझे अच्छे एडवाइस देता है, इन सब से किनारा कर करके इन सब को बाबा में समाना, ये भी एक का बनना हुआ। तो दो तरह की बातें होंगी, एक वो बुद्धि जो भटकती है जिसने अनेकों को सहारा बना रखा है, लौकिक में भी ज्ञान में नहीं आई थी तभी भी उसने अनेकों से रिश्ते जोड़ रखे कि आपसे मुझे ये मिलता है, आपसे मुझे ये मिलता है, आपसे मुझे ये मिलता है, तो ठीक है
वो क्या करती है, उन सब से किनारा तोड़ तोड़ के शिव बाबा से जोड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी बुद्धि भटकी हुई है। तो जब ऐसी बुद्धि बाबा से किनारा जोड़ती है तो करने के कारण और बाबा एक होने के कारण वो सालिम होने लग जाती है, वो एक होने लग जाती है, जो बटी हुई थी भटक रही थी वो एक होने लग जाती है। लेकिन कुछ बुद्धि ऐसी होती है जो ऑलरेडी एक के भरोसे चल रही थी, वो भटकी नहीं कभी, एक को पकड़ लिया ना एक हो गया बस बहुत काफी है। अब जहां आप रखो जैसे हम रहे सब कुछ अच्छा है, उसमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, उसमें हमें झुकना पड़े, उसमें सहन करना पड़े, जो करना पड़े भाई जो हो आप ही। तो वो बुद्धि एक बाबा को अपना लेती है और एक के साथ एक हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक थी। तो दीदी मेहनत कहाँ ज्यादा है? मेहनत ज्यादा ही है अनेकों से तोड़कर एक में जो वो एक में तो है तो क्योंकि... वो इसी हो जाता है, ट्रांसफर ही करना है कि एक से एक को ही तो देना है। हाँ जी, लेकिन बाकियों को अनेकों से एक को देना है क्योंकि बुद्धि को भटकने की आदत है। तो बुद्धि को भटकने से रोकना, पहले तो बुद्धि को भटकने से एक बनाना सीखना पड़ेगा और फिर एक को बाबा से जोड़ना। तो ये हमारी बुद्धि की क्वालिटी है, ये हमारे आज तक की यात्रा की प्रारब्ध है कि हमारी यात्रा कैसी रही, तो हम खुद चेक करें। लेकिन दोनों में पॉसिबल है, दोनों ने किया है, ऐसा नहीं नहीं हुआ है, लेकिन हमें देखना है हमारे लिए कौन सा रास्ता बनेगा। जी जी जी। तो बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करो। अब देखो बाबा इसलिए बोलते हैं जो अनेकों में भटकी हुई है उसके लिए बाबा एक्सप्लेन करते हैं, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करो, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, बात एक की ही है, अनेक से एक में आना है और एक जो जो एक हमने लौकिक में बनाया था उसको हटा करके शिव बाबा लाना है, बात एक की है। लेकिन एक में लाना, संजोना, वापस जोड़ना, वो बुद्धि जो इतनी टूट गई है, इतनी कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, उसको जोड़ करके एक में लाना, यहाँ पुरुषार्थ है। वो जो बुद्धि जो बहुत अच्छे से भटकना जानती है उसको एकाग्र करना, एक बनाना, वो पुरुषार्थ है। बाबा कहते बहुत बहुत भाग्यवान हूं, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। कितना फर्क है, दुनिया वालों को समय कराएगा, ड्रामा प्लान अनुसार उनको वो आधार तोड़ने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रहेगा नहीं परम सत्य, जिसको हम देखना नहीं चाहते, लेकिन जो परम सत्य है वो यही है ना कि कोई नहीं रहने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। हम सब को ये जो हमने अनेक रिश्ते बना रखे हैं, आप मेरे भाई, आप मेरे चाचा, आप मेरी बेटी, आप मेरा बेटा, आप मेरे युगल, आप मेरे ये, आप मेरे वो, जो अनेक अनेक रिश्ते हमने बना के रखे हैं, ये सारे रिश्ते डिमोलिश होने हैं ना, ये तो सत्य है ना। हम सब को एक ही लेवल पे आ जाना है, आत्मा 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 आत्मा, आत्मा, आत्मा। कैसे आएंगे जब ये अनेक अनेक ऊपर नीचे करने वाले रिश्ते टूटने ही हैं, ये तो सच है। लेकिन हम इस सच को समझ करके, इस विनाश की प्रतिक्रिया को समझ करके, वापस घर जाने की प्रतिक्रिया को समझ करके, हम अभी से रिश्तों को तोड़ रहे हैं और आत्मा आत्मा रूप में आ रहे हैं, समान हो रहे हैं, एक समान हो रहे हैं, एक रस हो रहे हैं और बाबा से जुड़ रहे हैं। लेकिन बाकियों के लिए ये दृश्य तो ड्रामा लाना ही है, क्योंकि ये होना ही है, घर जाने का मतलब ही है, सारी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, सारी पर्सनालिटीज खत्म हो गई, माँ बाप बेटा बच्चा बनने की सारी पर्सनालिटीज खत्म होकर के सब आत्मा आत्मा रूप में स्थित हैं और घर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे, मजबूरी से करेंगे, वो देखेंगे अरे जिसको बेटा माना वो तो बेटे जैसे तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, अरे जिसको जीवन का साथी माना था वो तो साथ छोड़ के चला गया, अरे ये हो गया वो हो गया, प्रॉपर्टी जिसको अपना सब कुछ माना था, धन जिसको अपना सब कुछ माना था, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब विनाश हो गया। तो क्या करेंगे, तो मजबूरी से उनको वैराग्य लाना ही पड़ेगा, उनको ड्रामा सिखा देगा वैराग्य लाना, किसी पर भरोसा नहीं। क्या कहेंगे अंत में, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं है जो साथ रहेगा। ये क्या है, ये दर्द से निकल रहा वैराग्य है, ये मोहब्बत वाला वैराग्य नहीं है। खुशी खुशी से हमने सारे छोड़ जोड़ कर तोड़ करके बाबा से नहीं जोड़ा है, मजबूरी में जोड़ रहे हैं,
धोखा खाया है, घटना घटी है, ट्रॉमा लगा है, धक्का लगा है तो तोड़ रहे हैं, अरे नहीं कर सकते, शरीर का भी भरोसा नहीं, अरे घर वालों का भरोसा नहीं, इस पैसे का भी भरोसा नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? अनेक को रियलाइज कर रहे हैं, पर किससे? दर्द से, दुख से, मजबूरी से। अगर ऑप्शन होता तो अभी भी उनके साथ ही रहते, तो क्या करें? मजबूरी से कर। पर बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा कहते हैं, बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। वो क्या करते हैं? बाबा को पहचान लेते हैं, बाबा के प्यार की परख हो जाती, बाबा के सत्य संपूर्ण रीति सामने आ जाता है उनके, तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है। उनको ये सारी चीजें नीरस ही लगती है। अरे क्या करना किसी से बात करके, क्या करूंगी किसी को बता करके, कुछ नहीं मिलने वाला है, पता है। परख लिया, जांच लिया, बाबा को समझ लिया, बाबा को संपूर्ण रीति आजमा लिया, समझ लिया कि किसी में कुछ नहीं है, जो है बाबा में ही है, तो उनका भटकना बंद हो गया, उन्हें सारे रास्ते बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो जब उनके दिल को धक्का लगेगा, दुख होगा, तो उनको अनेकानेक चेहरे याद नहीं आएंगे, उनको सिर्फ बाबा याद आए। क्यों? सारे रास्ते बंद कर दिए। जान लिया कि बाबा ही मेरा आधार है। बाबा कहते, बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया वह थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा, करना तो है ही। बाबा कहते हैं, बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। समझ में आ रही है बात हमें? क्या लगता है, समझ में आ रही है? दीदी, जैसे अब देखो, अब जैसे हम ज्ञान में चल रहे हैं, ठीक है, तो कई कई चीजें, कई कई पॉइंट नहीं हमें धारण होते, लेकिन ऐसा ही एक दुख का सीन आ जाता है तो हमें वैराग्य ज्यादा आता है। तो दुख तो वैराग्य एक दिलाता ही है। किसने कहा है? मजबूरी से आया हुआ वैराग्य दुख देता है, खुशी से आया हुआ वैराग्य थोड़ी दुख देता है। वो तो प्रेम की जल रही अग्नि में आहुति होती है। क्या मैं छोड़ दूं अब बाबा के लिए कि मेरा और बाबा का प्रेम और पक्का हो जाए? वो एक अलग फीलिंग होती है। अब क्या त्याग करना? वहां त्याग इच्छा से किया जाता है। क्यों? क्योंकि पता है त्याग का रिजल्ट बाबा है। तो बाबा से इतना प्यार है कि सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। जो बुद्धि में आ रहा है त्याग कर दो, इसको भी त्यागो, इसको भी त्याग। क्यों? क्योंकि ये जो त्याग है, ये हमने राज ऋषि भट्टी में डिस्कस किया था, ये त्याग उस ज्वाला के अंदर आहुति बनता है और मेरे और बाबा के बीच का प्यार बढ़ता है। वर्सेस मजबूरी में करना, करना नहीं चाह रहे तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो करना बहुत फर्क है। वो सिचुएशन और पेपर की बात है दीदी। जब हम सपोज करो कि करना तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो वो सिचुएशंस आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम दुख भी उस चीज को फील करते हैं, दुखी भी होते हैं उसमें, लेकिन करना तो चाह ही रहे होते हैं, तो इसीलिए तो सिचुएशन आती है। जी, हम इस पे बात करेंगे ना। ओम शांति। बाबा बतलाना चाहते हैं कि कोई चीज को समय के पहले करना, अगर हम समय के बाद करते हैं तो फिर उसका पॉइंट नहीं होता, क्योंकि एक समय के बाद तो सब खत्म होना ही है। तो अब जैसे कि कुछ भी हम करते हैं, तो अगर हम समय के पहले कर दिए तो उसका हमको पॉइंट मिलता है, क्योंकि बाद में उसका तो कौड़ी पैसे कभी नहीं मिलने का है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मैं परसों ही सोच रही थी इसके बारे में, गाड़ी थोड़ा साइड करके रख दी थी, कि जैसे मेरा लौकिक में घर बना, तो मैंने उस समय सोचा कि बाबा के लिए ये बना दूं सेंटर के लिए, और मुझे एक बार ये भी लगा कि अगर बच्चे बड़े हो जाएं, शादी हो जाएगी, तो हो सकता है पता मैं इसको कर पाऊं कि नहीं कर पाऊंगी। बाबा इसको हमको तो बाबा का बना ही देना है, गीता पाठशाला सेंटर बना ही देना है। फिर क्या हुआ, उसको किसी तरह बाबा की मदद से बाबा ने उसको बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ऑडिट होते थे ना, तो बिहार और झारखंड के ऑडिट होते थे, तो ऑडिट होते थे तो सारे लोग वहां ठहरते थे। तो देखिए समय के पहले, और अब क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो सब ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन हो गया तो अब उसको कोई, अगर अब हम उसको कहते कि बाबा अब इसको हम आपको माने बाबा का घर बनाते हैं, तो ये मेरे कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि वो हमने समय के पहले किया। अभी बहुत सारा घर तो 10 लोग देने को तैयार है, और ऑडिट भी अब ऑनलाइन हो गई, तो एक तो गीता पाठशाला तो बहुत सारा है, ये भी होगा। लेकिन जो चीज हम समय के पहले करते हैं ना, उसका बाबा के बच्चों को बोलते हैं ना, बाबा झटकू पसंद है,
तो झट को झट से हम लोग सोचते नहीं आगे कि क्या होगा, कितने लोग ना अपोज करते रह गए। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि बाबा और मेरे बीच में जो कनेक्शन हुआ, तीसरा आए तो टूटना नहीं चाहिए, ये मुझे उस समय नहीं पता था, अभी पता चला। लेकिन मुझे लगा बहुत लोगों ने अपोज किया, लेकिन उस समय मुझे रियली लगा कि नहीं, बाबा और मेरे बीच का ही फैसला, ये तो फलीभूत होके ही रहेगा। तो हमको अप्योरिटी ही जैसे है, अब बाद में हम धारण करके क्या करेंगे, सजाएं हमको मिलेंगी ना, बीमार होंगे, कुछ होंगे, डायबिटीज होगा, इम्पोर्टेंस हो जाएगा, छूट ही जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग किसी चीज के खाने का, जैसे अब बीमारी हो गई तो छूट गया तो नहीं खाए, तो ये क्या हो गया कि समय आगे हो गया और हम पीछे हो गए। शांति, बहुत अच्छा संगीता बहन, तो थैंक यू क्लैरिफाई किया आपने एग्जाम्पल से। बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता, मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। बाबा भी स्पष्ट बता रहे, ड्रामा का सीन आया, तब शरीर से वैराग्य आया, तब घर वालों से वैराग्य आया, अरे देखो आज हमें जब जरूरत पड़ी तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, तब हमने सोचा नहीं नहीं पता है बाबा ही काम आता है, मैंने तो देख लिया। तो क्या उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपने बाबा को ट्राई करने में लगाया कि अच्छा ठीक है देखते हैं, या अच्छा ठीक है मैंने सब पे भरोसा किया, कोई काम नहीं किया, अब बाबा, तो सबको ट्राई करने के बाद बाबा याद आया तो उसका क्या प्रारब्ध बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। लेकिन मोहब्बत में पहला वही याद आता है जिससे सच्ची प्रीत होती है। जैसे ही कोई भी परिस्थिति आई, जिसका सबसे पहले संकल्प आया, मानो सोचा कि किससे किसको बोले, किससे बात करें, और जिसका संकल्प आया, वो आत्मा बाध्य हो जाती है हमें वहां मदद करने की, या हमें फल देने की, या हमें हेल्प करने की। लेकिन अगर उसमें पहला संकल्प बाबा का नहीं आ रहा है, किसी और का आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे प्रारब्ध नहीं बन रही है। बाबा तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन बाबा को पसंद ही नहीं है। बाबा बोलते हैं तुम्हारे दिल में सिर्फ या तो मैं रहूंगा या तुम किसी और को रख लो, बस, या तो मैं रहना चाहिए अकेला, मैं रहूंगा तो मैं बादशाह हूं, मैं अकेला ही रह सकता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रह सकता, या तुम किसी और को रख लोगे तो मैं नहीं रह सकता, सिंपल। तो बाबा कहते हैं मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को कहां से क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है उन लोगों के लिए, मतलब हम सोचे उन लोगों के लिए सजा होगी क्या? क्या सजा होगी? ये डिटैच हो पाना ही सजा होगी। ये अपने आप को, जो अभी हमने देखा, अपने आप को अलग कर पाना, यही वो सजा होती है, और कोई अलग से थोड़ी सजा मिलने वाली। यही सजा है कि हम अपने आप को उससे अलग करने में जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, वो आधार जब हम हटाने की कोशिश करते हैं, वो जो पेड़ जो इतना वटवृक्ष बना है उसको जड़ सहित जब निकालना पड़ता है, पीड़ा तभी होती है, और वही पीड़ा सजा है और कुछ नहीं है। कोई अलग से सजाएं नहीं मिलने वाली, यही सजा है जो डिटैच होने में हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसी को सजा कहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। अंजी मानसी बहन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब आपने जो बोला ना कि हम बाबा के लिए इधर प्यार से करते हैं या फिर मजबूरी से छोड़ते हैं, तो अभी सपोज मजबूरी नहीं आया है कि मेरे को ये छोड़ना, मतलब आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि मेरे को छोड़ना ही पड़े कोई चीज, बट स्टिल इफ आई वांट कि मैं मेरा बाबा से कैसे ये कनेक्शन अच्छा हो, तो मैं सब चीजों को छोड़ू, तो वहां पे पहले तो दर्द होगा ना। लेकिन कोई बात नहीं ना, मोहब्बत में कर रहे हो, समय के पहले कर रहे हो, पता चल गया सत्य है तो कर रहे हो। लेकिन मोहब्बत में भी पेन हो, बाबा से मोहब्बत है इसीलिए हम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पेन होगा या नहीं, दैट्स व्हाट आई वांट टू आंसर। निर्भर करता है कितना ज्यादा, मतलब कि जैसे कि अभी आपके ऊपर कोई भी शरीर का कोई कुछ भी नहीं आया है ना, कोई केस नहीं आया, लेकिन अब आग को बाबा के साथ में आग बढ़ाने के लिए वो आप क्या कर रहे हो, उसका त्याग कर रहे हो, तो वो जो वो दर्द होगा वो मीठा दर्द होगा, वो त्याग कभी भी त्याग सुखदाई नहीं होता है, त्याग नाम ही त्याग है ना, त्याग तो त्याग ही है, लेकिन मीठा होगा कि वो जो जैसे होता है ना, जैसे दो प्रेमी होते हैं अलग अलग रह रहे हैं, तो उनका अलग रहना भी उनको दुख नहीं देता है, वो मीठा दुख होता है कि हाँ हम जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही मिलने की आश में आज अलग अलग बैठे हैं, कोई बात नहीं मिलेंगे, तो वो जो दूरी है
वो दूरी कोई उनको दुख नहीं देती है, वो मीठी आश में बदल जाती है कि हाँ तब मिलेंगे, ये होगा वो होगा जो भी। तो ऐसे ही त्याग है, ही त्याग ना, नाम ही त्याग है। तो त्याग करेंगे तो दुख तो होगा लेकिन वो मीठा हो जाएगा, हो जाएगा क्या मुझे पता है मैं ये प्रतिमान, ये आउटपुट हो गया ना। हाँ आउटपुट हुआ, इनपुट नहीं है, इनपुट के रूप में नहीं कर रहे हैं हम, उसको आउटपुट है, प्यार है बाबा से इसलिए त्याग कर रहे हैं, और वो त्याग मीठा लगेगा, दुख दुख लगेगा लेकिन वाह बाबा ही निकलेगा आगे से। तो बाबा कहते है ना मानसी बहन, तो बाबा कहते क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है, तो क्या पसंद है, मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। देखो आज अगर क्षमा भी परवाने पर जलता है, परवाना क्षमा के साथ जलने चला जाता है, तो परवाने को जलने में दर्द नहीं होगा क्या? होगा ना, लेकिन वो दर्द बहुत प्यारा लगेगा, वो दर्द लगेगा कि हम एक बन रहे हैं, दो थे आज तक पर एक हो रहे हैं, तो वो दर्द सुख देगा, दर्द भी सुख देता है, दर्द भी खुशी देता है कि देखो कितना दर्द हो रहा है, ओके थैंक यू, मतलब बहुत अच्छी आगे जो जो ये हो रहा है या जो होने वाला है बहुत सुखदायी है, मुझे पता है, अनुभव होता है, वो दर्द दुख नहीं देता है। बाबा कहते ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते, एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी, चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती, जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा बोल रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, दिन भर बैठ करके संपूर्ण हमारी दिनचर्या बाबा नहीं देखते, क्यों देखेंगे, पता है जो चीज कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ओके फाइन सही चल रहा है, लेकिन नजर कहाँ पड़ती है, ध्यान कहाँ जाता है, जहां पर डायरेक्शन देनी है। बाबा अनुभव से बताते, साकार बाप दादा बोलते साकार ब्रह्मा को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी, चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती, जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी, जहां सुधारना होता है, जहां बोलना था इसको आप और बेटर करो, बाकी जो आप कर वो बढ़ाई नहीं करेंगे बैठ करके, मेरे बच्चा ऐसा मेरा बच्चा वैसा, वो बढ़ाई के गुण नहीं गाते, क्यों, क्योंकि व्यर्थ है गाना, पर बढ़ाई की जो दिल से उनकी दुआ होती है वो उन आत्माओं को आगे बढ़ाती रहती, सूक्ष्म में बढ़ाई चलती, क्योंकि मुख से बोला तो कई सारे फिर नाराज हो जाएंगे या कई सारों को बुरा लग जाएगा, बाबा तो इनकी तारीफ करते रहते, तो मुख से बाबा बढ़ाई नहीं करते थे पर दिल से बाबा दुआ करते थे। बाबा क्या कहते, सिमरते थे उनकी माला, सर्विसेबल बच्चों की माला बाबा सिमरता है। अब सिमरण मुख से थोड़ी होता है, सिमरण तो मन ही मन होता है, मन ही मन तारीफ करते, मन ही मन उमंग उत्साह देते, मन ही मन उनको ऊपर चढ़ाते, दिल की दुआ देते, दिल का प्यार देते, लेकिन मुख से क्या बोलते, मुख से हमेशा डायरेक्शन देते थे कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे करोगे ना तो बेटर होगा और आगे आप बढ़ोगे। तो वो क्या रहा बाबा का, बाबा बता रहे ये क्या रही बाबा की चलन, हमेशा से ऐसी चलन रही कि जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी, वही बाबा की नजर पड़ेगी, वही चेकिंग होगी, क्योंकि ये बाबा का खुद का भी आचरण समझाते हैं, बाबा की खुद की भी, खुद के ऊपर, खुद की हर एक बात के ऊपर यही चेकिंग रहती थी कि कहां मैं इसको बेटर कर लूं, कहां मैं इसको करेक्ट कर लूं, कहां मैं उसको और जो आज है ये संकल्प जो आज मैंने किया इसको और श्रेष्ठ में ये संकल्प कैसे कर सकता हूं। तो बाबा के खुद के प्रति भी ये चेकिंग चलती थी, तो खुद के प्रति ये चलती थी, तो बच्चों के प्रति भी यही चेकिंग चलती थी कि आप इसको कहां और बेटर कर लो, कहां इसको आगे बढ़ा लो। ऐसा नहीं है बाबा प्रेम नहीं दिखाते थे, दिखाते थे, लेकिन मुख से जब बोलते थे तो डायरेक्शन देते थे जहां आवश्यकता होती थी। बाबा कहते बाप दादा देखते भी सब हैं लेकिन नहीं भी देखते हैं, जानते भी हैं नहीं भी जानते, जो आवश्यक नहीं वह ना देखते हैं ना जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वह फिर कभी सुनाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई है कि बाबा क्या करते हैं, हमें समझना पड़े कि बाबा
किस तरीके से काम करते थे, खुद की भी चेकिंग करते थे तो दूसरे की भी चेकिंग करते थे, खुद को चेंज करते थे तो दूसरे को भी चेंज करने का डायरेक्शन देते थे कि आप इसको ऐसे करो, लेकिन डायरेक्शन देने के साथ साथ शक्ति भी देते थे, सूक्ष्म में शुभ भावना भी रखते थे कि बच्चा आगे बढ़े, बाप समान बने, ऐसे नहीं घृणावश देते थे, घृणावश डायरेक्शन नहीं देते थे कि आपको तो कुछ नहीं आता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ नहीं करते हो, बिल्कुल बिल्कुल बाप के नापसंद बच्चे हो, ऐसे नहीं बोलते थे, आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे, तो आगे बढ़ने की शक्ति भी उन शब्दों में और शुभ भावना के द्वारा देते थे। तो बाबा क्या कहते हैं, जो आवश्यक नहीं वह न देखते हैं न जानते हैं, उन सब चीजों से बाबा उपराम रहते थे, जहां उनकी जरूरत नहीं है, काम नहीं है, बाप बच्चे सब अच्छे से कर रहे हैं, सब एक्यूरेट कर रहे हैं, वहां जाके थोड़ी बार बार कहेंगे नहीं नहीं तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, सिर्फ करने के लिए ये है कि आगे बढ़ाया जाए, वहीं पर बोलते थे। तो बाबा कहते तपस्या करना, बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना, किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है, कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना, मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर क्या करेंगी, वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगे कि करने इस कल्प के नए बच्चे का मतलब क्या हुआ, वह पहली बार मिल रहे हैं इस कल्प में बाबा से, कल्प कल्प तो मिलते ही आए, लेकिन उस समय में जो पहली बार आए हैं मधुबन, पहली बार बाप दादा से मिल रहे हैं, तो उनके लिए बाबा कहते कल्प कल्प के पुराने परंतु इस कल्प के नए और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है। तो बाप दादा कहते तो टीचर्स क्या करेंगी, वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगी कि करने तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें, किसका किसकी बात यहाँ निकल रही है, बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे कि उस समय कहेंगी कि करने तो चाहते हैं लेकिन करें कैसे, दिया बहन ऐसे ही कुछ आपके भी शब्द थे, बाबा कहते करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो, जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं, हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो, बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाला वाले ले, बाबा तो मदद देते ही हैं हर पल लेकिन नंबरवार कहाँ हो जाते हैं, लेने वाले, और लेने का आधार क्या बनता है, त्याग। आज अगर कोई मधुबन गया, पहले जब मधुबन जाते थे तो मधुबन जाना कोई आसान नहीं होता था, बहुत मेहनत करके जाना पड़ता था, बहुत बंधन तोड़ के जाना पड़ता था, वो सब मेहनत करने में, वो सब बंधन तोड़ने में बाबा साथ है, मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले ही वो संकल्प करते अरे कैसे होगा बाबा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करें, तो बाबा क्या कहते हैं, दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो, बाबा करके दिखाएंगे, ये कहने वाले हो या बस बोलने वाले, बाबा ये हो गया था ना जिसके कारण नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, अरे बाबा सब कुछ देने के लिए तैयार है, शक्ति देने के लिए तैयार है, बंधन मुक्त करने के लिए तैयार है, लेकिन खुद ही इस खुद के ही मन के बंधन में अटक जाते, नहीं होता बाबा कैसे करेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इनको इतनों को मैनेज करना पड़ेगा, तो बाबा पूछते हैं दिखलाने वाले हो मना करके दिखाने वाले हो कि सुनाने वाले हो, कि सिर्फ यही बोलने वाले हो कि बाबा नहीं हो पाया कैसे कर सकते हैं, कैसे करें, युक्ति सोच करके, बुद्धि चला करके, बाबा से हेल्प ले करके, बाबा को साथी बना करके करके दिखाने वाले हो या बहानों का सहारा लेकर सिर्फ सुनाने वाले हो, बाबा पूछते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवे, दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं, अपने ऊपर निश्चय करते इतना मैं मैनेज कर सकती हूँ, है ना, मधुबन जाना इतना कर सकती हूँ, कोई बात नहीं बाबा
इस बार नहीं, 2 साल बाद जब है ना हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, घर सेटल हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद में जरूर आऊं। तो बाबा ने क्या कहा, दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। बाबा कहते तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिमान बनना। सदा सर्वशक्तिमान जो होगा क्या कहेगा, बाबा करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आप साथ हो ना, सर्वशक्ति आप साथ हो, मना सर्वशक्तियां साथ है, सर्वशक्तियां साथ है तो काम हुआ ही पड़ा है, तो फिर क्या सोचना, करके ही दिखाएंगे। बाबा कहते तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेते, समझा? सर्वशक्तियों के अधिकारी को पूरा, सर्वशक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर की सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा एक मिनट हम साइलेंस में जाएंगे और फिर बच्चे भी बोले पढ़ेंगे। ऑप्शन बाप दादा कहते, दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, अष्ट शक्तिधारी, ईष्ट और अष्ट हो ना, अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाली, जहां पर जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति की परख करके शक्ति को कार्य में लाने वाले वो अष्ट और ईष्ट की निशानी है। बाबा कहते अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं, विशेष 8 शक्तियां हैं। वैसे है तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। कितनी सारी और हैं देखो, आज आज एक एकाग्रता की शक्ति या परिवर्तन की शक्ति, ये सब अष्ट शक्तियों में नहीं आती। तो बाबा क्या कहते हैं, वैसे है तो बहुत लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व ईष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना, विदेश में कितने तैयार हैं, अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा 13:12:90 में। तो बाप दादा कहते हैं अच्छा है, जाना तो सबको ही है, एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासियों का क्या होगा, मेरा मेरा तो याद नहीं आएगा ना, जाना तो सबको है लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं, हिसाब किताब चुक तुक करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। क्यों बाबा क्या कह रहे हैं, हिसाब किताब चुक तुक करे बिना कोई जा नहीं सकता और जब चुक तुक हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता, तो बाबा क्या कह रहे हैं, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब सब संपूर्ण हो गया। बाप दादा कहते हैं सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी हो जाना। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, पहला, दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है, स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं, सेवा में आदि स्थान है वैसे स्थिति में आदि रत्न हो, स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना।
आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, कितनी वंडरफुल बाबा ने डेफिनेशन दी है। बाबा अभी तक तो किसी ने किया नहीं है, मैं कैसे करूं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। नहीं, आदि रत्न का अर्थात, आदि रत्न का अर्थ ही है जहां घना जंगल है, जहां कोई रास्ता नहीं है, उसके बीच में रास्ता बनाना, पहला रास्ता बनाना, पहला कदम उठाना, ये आदि रत्न का कर्तव्य है, उसकी निशानी है। अब जब उसने चला दिया एक बार को, चल गया, रास्ता बन गया, हो गया, तो फिर पीछे भले भले लोग आए, उनके लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन रास्ता बनाना, जंगल, घने जंगल के बीच में से रास्ता बनाना, कांटों के जंगल के बीच में से रास्ता बनाना, आज तक जो किसी ने नहीं किया वो करना, वो आदि रत्न बनना है, वो आदि रत्न की निशानी। कितना अच्छा बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाबा कहते आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले, क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है, यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। अंजीरिया नहीं, सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। ओके, यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है? अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया, धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? इसलिए सदा आदि रत्न है अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो, पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, पहले दूसरा कोई रास्ता निकाले फिर हम उस रास्ते को फॉलो करेंगे, अगर वो है तो हम आदि कैसे हुए? आज भी बाबा कहते हैं, अंत की बात जब कहते हैं तो बाबा कहते हैं आदि सो अंत, जो आदि में हुआ वो अंत में होगा, ठीक है, लेकिन जो आदि में हुआ उनके लिए कहीं पर कोई डायरेक्शन नहीं था, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं था, उन्होंने उसमें रास्ता बनाया, कोई युक्ति नहीं थी, युक्तियां बनाई गई, कोई भी डायरेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ पहली बार हुआ। तो भले अंत में आदि सो अंत वाली बात है, लेकिन आदि की बात तो आदि है ना, उससे पहले तो कोई है ही नहीं। उससे पहले किसने पवित्रता की धारणा करी, कौन पवित्रता की नवीनता लाया था, किसने यज्ञ को समझा था, कौन पहली बार सेवा में गया था, वही लोग गए थे ना जो आदि में थे। अब हम भले ही उनके समझे हुए रास्ते पर, उनकी समझी हुई धारणाओं पर चल करके भले अंत में पहुंचे हैं, लेकिन आदि तो आदि ही है, उससे पहले करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने ही यज्ञ की आदि करी, उन्होंने ही ज्ञान की आदि करी, उन्होंने ही पवित्रता की आदि करी, तो नंबर तो है। तो बाबा क्या कहते हैं, धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उसे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहते हैं क्या? इसलिए सदा आदि रत्न है अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो, पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे, करने में पहले मैं, यह आदि रत्न की निशानी है। रास्ता देखने में, रास्ता खोजने में, रास्ता निकालने में पहले मैं। बाप दादा कहते हैं दूसरा बदले फिर मैं बदलू, यह भी बदले तो मैं बदलू, नहीं, जो करेगा सो पाएगा, और कितना पाएंगे, एक का पदम होना। तो करने में मजा है ना। अब जैसे कि वो बदले तो मैं बदलू, तो वो बदले तो मैं बदलू, तो मैं जो बदल रहा हूँ उसका आधार तो उनके बदलने पर हो गया, उसका आधार बाबा थोड़ी हुआ, बाबा ने कहा है तो होगा, ये तो हमारी बुद्धि में आया ही नहीं, तो बाबा पे तो निश्चय बुद्धि बने ही नहीं, उसने किया है ना, वो कर चुके ना, तो जरूर हो पाएगा। तो हमारा आधार कौन बन गया, वो आत्मा, ना कि बाबा, ना कि बाबा की श्रीमत।
कि बाबा ने डायरेक्शन दिया तो हुआ ही पड़ा है, ये करने से बाबा पर निश्चय बढ़ता है, लेकिन उस आत्मा ने करके दिखाया ना, तो अभी इसका मतलब हो तो सकता है, पॉसिबल है, तो मेरा आधार बाबा थोड़ी बने, वो आत्मा बन गई जिसने ऑलरेडी उसको प्रत्यक्ष किया, इमर्ज किया। बाबा कहते तो करने में मजा है ना, एक करो और पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, इसलिए लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर ही हो जाएगी, तो ऐसे नहीं करना। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है, जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। बाबा चेकिंग बता रहे, कहीं पर अगर मेहनत लग रही है तो चेक करो, मोहब्बत कम हो गई है, इसलिए मेहनत भारी लग रहा है। तो बाबा कहते अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा, वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे, पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो, पक्के अनुभवी हो गए हो, कोई डरने वाले हो, क्या होगा कैसे होगा, नहीं, उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। बाबा ने हमारे ऊपर ही डाल दिया। बाबा बोलते ऐसे तो सोचते हो ना, कहीं ऐसे तो नहीं सोचते क्या होगा कैसे होगा, नहीं, अपने क्या होगा कैसे होगा का तो शांत कर ही दिया, संपूर्ण निश्चय से बाबा पर तो कर ही लिया, लेकिन उन्हों को भी जो ऐसा सोच रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, जो डर रहे हैं, उनको भी शांति का दान देने वाले हो। तो बाबा ने कहा कितना परिवर्तन हो गया, खुद को तो कर लिया, खुद को तो भर लिया, लेकिन अनेकों को भी भरने के निमित्त होने वाले हो। तो बाबा कहते उन्हों को भी शांति का दान देने वाले, कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए, चाहे ज्ञान नहीं दो लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, दूसरी से, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी, न महाराष्ट्रीय, न मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी, ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है, डबल अंडरलाइन, हम यहाँ के हैं वहां के हैं, ये सब देह के बंधन है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है, सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो, यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी, इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। बाबा ने कई बार कहा है कि आप ब्राह्मण जाओ लेकिन आप रूप उनका धारण कर लो, ऊपर से रूप उनका धारण कर लो, कोट पैंट पहन लो, जींस टॉप पहन लो, मतलब एक रूप परिवर्तन कर लो, ताकि आप उनके बीच में जाकर के उनको अपना बना सको, अपना संदेश दे सको। तो पहले तो वो आपके अपियरेंस से या आपकी जॉब से या आपके पोजीशन से आपके पद से रेजोनेट करेंगे, पहले आपसे जुड़ेंगे, आपके आपने जो मुखौटा पहना है या आपने जो रंग धारण किया है उससे जुड़ेंगे, और उससे जुड़ने के कारण जुड़ गए तो अब हम निमित्त बनेंगे कि उनको बाबा से जोड़ पाए। तो बाबा कहते बेस में तो, अंदर में तो, फाउंडेशन में तो, ये तो पता है ना कि हम सब ब्राह्मण है, हम सब सेवा अर्थ गए हुए हैं, लेकिन सेवा है वो हमारा रूप नहीं है, सेवा का रूप है। हम तो अंदर से जानते हैं कि हम ओरिजिनल, हमारी जो ओरिजिनल ऑक्यूपेशन है वो ईश्वरीय सेवाधारी है और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर है, ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है, तो दोनों ही सेवाएं करनी आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभकामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना।
हम लोग का काम है किसी को भी खाली हाथ जाने ही नहीं देना, कुछ ना कुछ जरूर देना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, अगर हम कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं तो शुभ भावना शुभ कामना तो देना, देने के लिए सूक्ष्म में तो हमारे पास खजाने हैं। बाबा कहते हैं तो यह शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है, तभी वाणी से नहीं बदलते हैं। कैसा भी हो लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण भी क्यों ना हो। कई माताएं कहती है ना हमारे संबंधी पक्के रावण है, बदलने वाले नहीं है। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, उनके व्यवहार में योगा देना। ब्राह्मण वो जो हर पल देते रहे वही ब्राह्मण है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि ही दे दो। बाबा कहते हैं कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, यह ब्रह्मा कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं, चाहे गाली भी देते लेकिन ब्रह्मा को ब्रह्मा तो कहते हैं। कितना अच्छा बाबा बोल रहे, देखिए बाबा कह रहे कि भले वो गाली भी देते हैं लेकिन गाली भी किस नाम से देते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां। तो मुख से हमारे नाम के साथ ही सेवा जुड़ गई है, अगर मुख से कोई ब्रह्मा कुमारी भी बोल रहा है तो भी सेवा हो रही है, नाम तो ले रहे हैं ना ब्रह्मा बाबा का। तो बाबा क्या कहते हैं तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं, चाहे गाली भी देते हैं लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं, फिर भी बाप का नाम ले तो लेते हैं ना, चाहे जाने व न जाने आप फिर भी उनको अंजलि दो। हमारी गालियां ही निमित्त बन रही है, हमें जो गालियां मिल रही है वही निमित्त बन रही है उनका भाग्य बनाने में, तो भाग्य की निशानी है देना। तो बाबा कहते तो उनको कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे उलाहना देंगे, हम तो बेसमझ थे आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना, आप देते जाओ कोई ले या न ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं कोई यथाशक्ति लेते हैं, फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, कहते हैं बाबा, बाबा कह रहे हैं फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो तो यह लेवता हो, लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते, आप देवता बनने वाले हो ना, देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है या सिर्फ प्रेस रह गई है, देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए, आज फरिश्ता कल देवता। कितनी बार देवता बने तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले रिगार्ड दे तो दू, ऐसा नहीं, सदा दाता के बच्चे देने वाले, ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज्यादा, अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है, एक तो आए देरी से हो और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। बाबा वार्निंग दे रहे हैं, समझा नहीं दे रहे कि आपने माया को विदाई दी है या नहीं दी है, अभी समय नहीं है कि आप धीरे धीरे दो, पहले ही देर से आए हैं और पुरुषार्थ भी धीरे धीरे करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। और इस ग्रुप के द्वारा बाबा हमें पूरा चांस दे रहा है कि हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएं, भले हम एंड में आए हैं लेकिन बाबा की नजर है हम पर और हमारे द्वारा कईयों पर कि फटाफट बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करके पहुंच जाएं समय के पहले। तो बाबा क्या कह रहे हैं, एक तो आए देरी से हो और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे, निश्चय हुआ नशा चढ़ा और उड़ो, अभी उड़ती कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना, आप लकी हो उड़ने के टाइम पर आए हो, तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं, ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी न हो, पैसे दे कपड़ा दे खाना दे, दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता। इसके पीछे भी साइंस की बहुत अच्छी क्लास थी,
कि जो संकल्प हम रचते हैं उस संकल्प के अनुरूप पूर्ति होती है। अगर हम संकल्प रख रहे हैं कोई हमें दे कोई हमें दे कोई हमें दे, तो ऐसा नहीं है कि इसके इसके ऑपोजिट रिएक्शन होगा कि हमने कहा दे तो हमें मिले, नहीं, वो इच्छा ही रह जाएगी, इच्छा ही इच्छा को बढ़ाती जाएगी बढ़ाती जाएगी, कभी भी संतुष्टता अनुभव नहीं होगी। लेकिन जैसे हम ये बोलने शुरू करेंगे मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, सब कुछ पा लिया और पा लिया तो धन्यवाद शिव बाबा, तो आप ही मिलने लग जाएगा। यूनिवर्स टू कॉपी करता है, एक्शन का रिएक्शन नहीं होता, वो सिर्फ इंसानों के बीच में होता है। यूनिवर्स टू कॉपी करता है, सटल शक्तियां टू कॉपी करती है, तो जैसी हम फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स उसी को मल्टीफोल्ड कर देगा, बढ़ा देगा। अगर वो फीलिंग में है इच्छा तो इच्छाएं बढ़ा देगा, अगर उस फीलिंग में है संतुष्टता तो संतुष्टता बढ़ा देगा, अगर उस फीलिंग में है पाना था सो पा लिया तो पाना था सो पा लिया ही चलता रहे, पाते ही जाएंगे पाते ही जाएंगे। तो इच्छा करें और मिले, यूनिवर्स वैसा नहीं है, जो हम सोचेंगे वैसा ही वो मल्टीफोल्ड में क्रिएट कर देगा। तो बाबा कहते हैं दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता, दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। अच्छा कितनी गुही बात बाबा ने आज बताई। अच्छा आज का वरदान है यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। बाप दादा कहते यथार्थ याद का अर्थ है सर्वशक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तो सफलता होगी। इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा स्लोगन भी बताया है हमें, योग युक्त युक्ति युक्त। युक्ति लगाना मतलब ये नहीं हमें ऐसा लगता है युक्ति लगा रहे हैं तो हम बहाना बना रहे हैं। युक्ति का अर्थ होता है वो एक ऐसा दृश्य, वो एक ऐसी झलक देख लेना, एक ऐसा रास्ता देख लेना जो सबको संतुष्ट करे, उसको युक्ति कहा जाता है, ना कि बहाने बनाना। तो बाबा क्या कहते इसी रीति से अगर हम योग युक्त रहेंगे तो स्वतः ही हमें वो युक्तियां टच होती जाएंगी जो सबके कल्याण में सबको फुलफिल करने वाली है, क्योंकि योग शिव बाबा से है, जो दाता है तो उससे जुड़ करके हमारी बुद्धि में दातापने के संस्कार ही बनेंगे, और वो संस्कार और बाबा का इम्प्रेशन बाबा का प्रभाव हमारी बुद्धि में वो सल्यूशन टच करेगा जो सबको दे सबको भरपूर करे। तो बाबा कहते हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकेंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ। स्लोगन दिया है बाप दादा ने आज, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा ओम शांति। हम दो मिनट मीठे प्यारे बाप दादा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।